We are starting with question number 18, students. A company furnished the following summarized balance sheet as at 31st March. Rupees in 1,000, equity and liabilities, share capital, authorized capital 5,000, issued and subscribed 3 lakh equity shares of 10 each fully paid, but rupees in 1,000 diya hai, 3,000. 20,000 9% preference shares of 100 each, 2,000. Issued 2 months back for the purpose of buyback. An important point in this question, students. आपको equity share भी दिया है balance sheet में और students preference share भी दिया है. And what they say कि ये जो preference shares है ना, which is now given in balance sheet, it was issued 2 months back. 2 महीने पहले issue किया गया था. And for what purpose? For the purpose of buyback. Equity shares buyback करना था. कंपनी का प्लानिंग था पहले से स्टूडेंट्स. सो 2 महीना पहले उन्होंने तैयारी कर ली एंड 2 मंथ्स बैक दे हैव मेड एन इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर स्टूडेंट्स. ठीक है, इश्यूड 2 मंथ्स बैक फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक. नेक्स्ट, रिजर्व्स एंड सरप्लस. अंडर दैट वी हैव कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ऑल अमाउंट गिवन टू अस आर इन 1,000 स्टूडेंट्स, रुपीज इन 1,000 है. नॉन करंट लाइबिलिटी में 10% डिबेंचर है, 400,000 मीन्स 40 लाख. करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन 40,000. ओके, देन असेट्स में फिक्स एसेट कॉस्ट लेस प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट, करंट एसेट लोन्स एंड एडवांसेस इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस. कंपनी पास्ड अ रेजोल्यूशन टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल एट रुपीज 15 पर शेयर. कंपनी ने एक रेजोल्यूशन पास किया है और रेजोल्यूशन क्या है कि दे हैव डिसाइडेड टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल और ऑफर प्राइस 15 पर शेयर है. फॉर दिस पर्पस इट सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 लाख फॉर रुपीज 25 लाख. और उन्होंने बायबैक के लिए उनको पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट भी बेच दिया. कंपनी रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स एट, जस्ट होल्ड ऑन स्टूडेंट्स, एक मिनट. Company redeemed preference shares at a premium of 10% on 1st April. Assume that securities premium account is used for providing premium on redemption of preference shares. Included in its investments were investments in own debentures costing rupees 3 lakh, face value 3.3 lakh. These debentures were cancelled on 1st April. You are required to pass journal entries and prepare balance sheet as on 1st April. Again students, but yahan pe dhyan rakhna, yahan pe pehla buyback hai. They have given redemption of preference shares bhi pucha hai. और बायबैक भी है स्टूडेंट्स. ठीक है, नाउ तो पहले बायबैक से स्टार्ट करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे लास्ट में उन्होंने कहा है, सी यू आर रिक्वायर्ड टू पास एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट. बिगनिंग में क्या कहा था, कंपनी हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स कैपिटल. लास्ट सेंटेंस है ना, यू आर रिक्वायर्ड टू पास एंट्रीज, उसके बाद एग्जामिन वेदर द कंपनी कैन डू सो. एग्जामिन वेदर अ कंपनी कैन डू सो का सिंपल मीनिंग क्या होता है, हमें वो पॉइंट्स है ना, वो कैलकुलेशन करते हैं हम, सोर्सेस, मिनिमम ओन फंड्स, 25% ऑफ ओन फंड्स, वो हमको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स. एग्जामिन वेदर द कंपनी कैन डू सो का मतलब क्या, हमें डिसाइड करना है कि कंपनी का जो रेजोल्यूशन है 20% इक्विटी कैपिटल बाय बैक करना, क्या वो लिमिट के अंदर है या नहीं है. एग्जामिन वेदर द कंपनी कैन डू सो. ठीक है, सो विद स्टार्ट विद दैट स्टूडेंट्स. तो पहले हम लोग वो कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे, फिर इक्वेशन एंड देन जर्नल एंट्रीज. ओके, नाउ उसका कैलकुलेशन कैसा होता है स्टूडेंट्स. फर्स्ट वी स्टार्ट विथ व्हाट, सोर्स है ना, सोर्स से स्टार्ट करते हैं. उसमें पहले क्या लिखते हैं हम लोग सब, फ्री रिजर्व्स लिखते हैं स्टूडेंट्स. बैलेंस शीट में जाओ, आपको फ्री रिजर्व्स मिल जाएगा. रेवेन्यू रिजर्व फ्री होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी फ्री होता है. तो स्टूडेंट्स वी स्टार्ट विथ रेवेन्यू रिजर्व. ओके, सो रेवेन्यू रिजर्व कितना दिया है हमको, 4,000. इट इज रुपीज इन 1,000 स्टूडेंट्स. आप चाहें तो पूरा 40 लाख लिख सकते हैं या जस्ट 4,000 लिख सकते हैं रेवेन्यू रिजर्व. देन प्रॉफिट एंड लॉस भी हमको दिया हुआ है. सॉरी, प्रॉफिट
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन इज हाउ मच स्टूडेंट्स, 1800 दिया है, 1800 है, तो स्टूडेंट दैट मीन्स इट विल बी 18 लाख. ओके, एंड देन फाइनली लास्ट में क्या ऐड करते हैं हम लोग, सिक्योरिटीज प्रीमियम ऐड कर लेते हैं. सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना दिया है स्टूडेंट्स हमको, 500,000. सो 500,000 मतलब हो जाएगा 5 लाख स्टूडेंट्स. ओके, तो ये तीनों का टोटल स्टूडेंट्स 40 लाख प्लस 18 लाख. सो 40 प्लस 18 विल बी 58 लाख, एंड 58 लाख प्लस 5 लाख स्टूडेंट्स, 58 लाख प्लस 5 लाख विल बी 63 लाख. तो स्टूडेंट्स ये हमको टोटल आ गया 63 लाख. सो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ सोर्स, ये हमारा पहला पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, सोर्स. सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन ऑफ 25% ऑफ ओन फंड्स. सो हमको क्या फाइंड करना है, 25% ऑफ ओन फंड्स. सो ओन फंड्स कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, शेयर कैपिटल प्लस ऊपर जो सोर्स में हमने रिजर्व्स लिखा है वो सब लिखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स. तो शेयर कैपिटल देखो स्टूडेंट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, हाउ मच इज गिवन इन बैलेंस शीट इक्विटी शेयर कैपिटल, 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच. सो 3 लाख ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच विल बी 30 लाख. तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 30 लाख. देन स्टूडेंट सोर्स में हमने सब जो रिजर्व्स लिखा है मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ रिजर्व्स, ऊपर जो हमने लिखा है ना रिजर्व्स 63 लाख वो सारा लिख लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी लिखते हैं, है ना, बट देखो मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं लिखा फॉर द सिंपल रीजन स्टूडेंट, वो प्रेफरेंस शेयर इश्यू क्यों किया गया था, फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक. अच्छा, सेक्शन 68 जहाँ पे ये सब कंडीशंस है ना स्टूडेंट्स, वहाँ पे एक कंडीशन क्या है कि जो भी चीज़ आप ये कैलकुलेशंस में लिखते हैं स्टूडेंट्स, वॉट एवर द कैलकुलेशंस यू मेक इन दीज फोर पॉइंट्स, जो हम ये चार पॉइंट्स का कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पे ना कौन सा आइटम लिखना चाहिए, ओनली दोज आइटम्स विच वर एज पर द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट. वहाँ पे ऐसा टर्म है स्टूडेंट्स, एज पर द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट. आपका जो CA है, ऑडिटर है, जिसने वो बैलेंस शीट को अगर ऑडिट कर लिया है तो वो ऑडिटेड बैलेंस शीट में जो जो आइटम्स थे वो यहाँ पे अपीयर होना चाहिए व्हेन यू मेक द कैलकुलेशंस. अभी ये प्रेफरेंस शेयर स्टूडेंट 2 मंथ्स बैक आपने खाली इश्यू किया है उसको, है ना, इश्यू 2 मंथ्स बैक फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक स्टूडेंट्स, आपने 2 महीना पहले ही उसको इश्यू किया था, दैट मीन्स ये अभी तक ऑडिटेड बैलेंस शीट में आया नहीं होगा, बिकॉज हमको जो बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च का है स्टूडेंट्स. पहले अकाउंट्स बनते हैं, देन अकाउंट्स आर अप्रूव्ड मीटिंग्स में स्टूडेंट्स, फिर वो अकाउंट्स बनाया जाएगा, आपका अकाउंटेंट बनाएगा, आपका जो इंटरनल ऑडिटर है, सो देन यू विल गेट इट ऑडिटेड बाय एन एक्सटर्नल ऑडिटर स्टूडेंट्स, बाहर का कोई ऑडिटर CA से आप ऑडिट कराओगे अकाउंट. सो ऑब्वियसली इट कैन बी बिफोर 31 मार्च, पहले आप 31 मार्च को यू विल मेंटेन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 31 मार्च के बाद आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट कर लोगे, यू विल ड्रॉ योर PNL स्टेटमेंट बैलेंस शीट, फिर उसके बाद ही ऑडिटर से किसी CA से आप ऑडिट कराओगे ना, उससे पहले तो नहीं करा सकते. सो एज ऑन 31 मार्च यू कैन से कि ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो बैलेंस शीट में दिया गया है इट इज नॉट एन ऑडिटेड फिगर, अभी तक ये ऑडिट नहीं हुआ है स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं लिखा है. सो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स ऐड करेंगे तो वी गेट ओन फंड स्टूडेंट्स 63 लाख प्लस 30 लाख टोटल विल बी 93 लाख होगा. इसका 25% फाइन कर लेते हैं. एक मिनट स्टूडेंट्स मैं कैलसी ले लूं, आई फॉरगॉट टू टेक द कैलसी. सो 93 लाख इंटू 25%. इट कम्स टू 23,25,000 स्टूडेंट. इसका ओन फंड्स का 25% फाइन करेंगे सो इट कम्स टू इट इज 23,25,000. ओके स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट क्या है फिर उसके बाद थर्ड आइटम हमारा क्या होता है, थर्ड पॉइंट क्या कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स, मिनिमम ओन फंड्स। उसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहले हम लोग डेप्ट डिवाइड बाय टू, डेप्ट अपॉन टू डिवाइड बाय टू। बैलेंस शीट में देखो कोई डेप्ट वगैरह दिया है, सी दे हैव गिवन नॉन करंट लाइबिलिटीज 10% डिबेंचर्स 400,000, क्लियरली स्टूडेंट्स 400,000 लिखा है उन्होंने। सो 400,000 का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 लाख, ओके डिवाइड बाय टू करेंगे तो 4 लाख डिवाइड बाय टू विल बी हाउ मच, ऑब्वियसली 2 लाख, सिंपल सा कैलकुलेशन। ओके नेक्स्ट देन स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ओन फंड्स माइनस मिनिमम ओन फंड्स। इसी स्टेप में, स्टेप नंबर 3 में वी राइट ओन फंड्स लेस मिनिमम ओन फंड्स। ओन फंड्स मतलब ये 93 लाख स्टूडेंट्स, 93 लाख विच वी रिकॉर्डेड, 93 लाख। मिनिमम ओन फंड्स अभी हमने फाइंड किया 2 लाख, अच्छा कोई ओन डिबेंचर्स भी था, यस इंक्लूडेड इन इट्स इन्वेस्टमेंट्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स स्टूडेंट, सॉरी एक आई एडजस्टमेंट भूल गया, वर इन्वेस्टमेंट्स इन ओन डिबेंचर्स कॉस्टिंग रुपीज 3 लाख, फेस वैल्यू 3,30,000, दीज डिबेंचर्स वर कैंसल्ड। ये डिबेंचर्स हमको कैंसिल करना है स्टूडेंट्स, कितना है वो डिबेंचर्स देव साइड, उसका फेस वैल्यू कितना बता रहा है स्टूडेंट्स, 3,30,000, ठीक है। डिबेंचर्स गिवन इन बैलेंस शीट इज 4 लाख स्टूडेंट्स, बट क्या होगा इसमें से 4 लाख में से 3,30,000 कैंसिल होने वाला है, तो स्टूडेंट्स डिबेंचर्स कितना बचेगा, डेप्थ ओनली 70,000 स्टूडेंट्स, सॉरी मैं वो एडजस्टमेंट भूल गया था स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स हियर विल हैव 70,000 डिवाइड बाय 2, 70,000 डिवाइड बाय 2 विल बी 35,000, ओके 70,000 डिवाइड बाय 2 विल बी 35,000। सो नाउ, सो मिनिमम ओन फंड्स अभी ये चेंज हो गया स्टूडेंट्स, इट इज 35,000, सो 9,30,000 माइनस 35,000, 93,000 इट कम्स टू 92,65,000। सो ये लास्ट कॉलम में लिख लेंगे हम लोग 92,65,000, ओके स्टूडेंट्स। सो दिस वॉज पॉइंट नंबर 3। लास्ट पॉइंट नंबर 4 क्या होता है स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, है ना। फिर हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स पहले फाइंड करते हैं, उसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल स्टूडेंट्स अपॉन फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पर शेयर, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पर शेयर। सो स्टूडेंट्स इक्विटी शेयर कैपिटल का 25%, सो 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन वॉज हम स्टूडेंट्स 3,000 था ना रुपीज इन 1,000, बैलेंस शीट देखो स्टूडेंट्स 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, सो इट इज 30 लाख। सो 25% ऑफ 30 लाख अपॉन फेस वैल्यू पर शेयर इज 10, सो स्टूडेंट्स 30 लाख, सॉरी 25% ऑफ 30 लाख इज 7,50,000, डिवाइड बाय 10 करेंगे सो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, वी गेट 75,000 स्टूडेंट्स, दिस इज 75,000 शेयर्स है, ये रुपीज में नहीं है। एंड देन व्हाट वी डू, दिस 75,000 नंबर ऑफ शेयर्स विच वी गॉट वी मल्टीप्लाई बाय द ऑफर प्राइस विच इज गिवन टू अस विच इज 15 बिलो द बैलेंस शीट द वेरी फर्स्ट लाइन, तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 15 व्हेन वी डू वी गेट 11,25,000 स्टूडेंट्स, ठीक है 11,25,000 आता है। सो हियर आई विल राइट 11,25,000। सो स्टूडेंट्स व्हाट वी से, लीस्ट ऑफ द अबाउ फोर इज मैक्सिमम पॉसिबल बाय बैक, लीस्ट ऑफ द अबाउ फोर मतलब 11,25,000, 92,65,000, 23,25,000 एंड 63 लाख, सब में कम कौन सा है, 63 लाख, 23,25,000, 92,65,000 एंड फाइनल आंसर 11,25,000। सो 11,25,000 इज द फाइनल आंसर स्टूडेंट्स, ये है आपका ओके
और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं था स्टूडेंट? जस्ट लाइक लेट मी गो थ्रू दैट। नहीं, एक ही एडजस्टमेंट था। ओके, सो स्टूडेंट्स 11,25,000 इज द लीस्ट स्टूडेंट्स। सो लीस्ट ऑफ द अबाउ फोर ऐसा हम लोग लिखते थे, लीस्ट ऑफ द अबाउ वन टू फोर विल बी मैक्सिमम पॉसिबल बाय बैक। दैट इज ये केस में कितना होगा, रुपीज 11,25,000 है ना, सबसे लीस्ट यही है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स फिर हम लोग लिखते थे एक्चुअल बाय बैक। एक्चुअल बाय बैक कैसे करते थे, लीस्ट ऑफ द अबव फोर जो हमको आया 11,25,000 है ना, 11,25,000। अच्छा हाँ, बट स्टूडेंट्स वेट वेट, सॉरी आई एम सॉरी, नो नीड टू फाइंड एक्चुअल बाय बैक। द रीजन आई विल एक्सप्लेन द रीजन बाय, कंपनी पास्ड अ रेजोल्यूशन टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर। कंपनी ने तो ऑलरेडी रेजोल्यूशन पास कर लिया है, कंपनी ने अपनी तरफ से डिसीजन कर लिया था कि दे वॉन्ट टू बाय 20%। सो स्टूडेंट्स कंपनी का रेजोल्यूशन या कंपनी का डिसीजन, कंपनीज डिसीजन, वॉट इज द कंपनीज डिसीजन स्टूडेंट्स, 20% ऑफ इक्विटी कैपिटल दे आर रेडी टू बाय बैक। कंपनीज डिसीजन इज टू बाय बैक हाउ मच, 20% ऑफ इक्विटी कैपिटल स्टूडेंट्स। सो 20% कितना होगा इक्विटी कैपिटल का स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट में नंबर ऑफ शेयर्स कितना है स्टूडेंट्स, देखो बैलेंस शीट में नंबर ऑफ शेयर्स, बैलेंस शीट में नंबर ऑफ शेयर्स इज 3 लाख। सो 20% ऑफ 3 लाख 60,000 शेयर्स। ये कंपनी ने ऑलरेडी डिसीजन करके रखा था, लास्ट में हमसे खाली पूछा था एग्जामिन वेदर द कंपनी कैन डू सो। एंड स्टूडेंट्स हमारे हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स, हाउ मेनी शेयर्स द कंपनी कैन बाय बैक, कंपनी कैन बाय बैक 75,000 शेयर्स स्टूडेंट्स। हमने यहाँ फाइंड किया ना लीस्ट, लीस्ट यहाँ पे 75,000 फाइंड किया, 75,000 तो मैक्सिमम कंपनी 75,000 बाय बैक कर सकता है, और कंपनी ने डिसीजन कितने बाय बैक करने का किया है स्टूडेंट, 60,000 शेयर्स का। सो इट इज विद इन द लिमिट, सो जो कंपनी का डिसीजन है वो ठीक है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स 50,000 आता, 50,000, देन इन दैट केस कंपनी कान बाई बैक 60,000 शेयर्स, द कंपनी हैज टू बाई बैक देन वॉट स्टूडेंट्स, ओनली 50,000 शेयर्स। अगे सोन में तो हमारी कैलकुलेशन जो 4 पॉइंट्स हमने जो कैलकुलेट किया उसके बेसिस पे हमें पता चल गया कि हम 75,000 शेयर्स तक बाई बैक, ये लीस्ट यही आया ना 11,25,000, सो 75,000 शेयर्स तक हम बाई बैक कर सकते हैं। बट सपोज कंपनी ने ये आंसर जो 75,000 नहीं आता है, सपोज दिस इज 50,000, देन कंपनी कान बाय बैक 60,000 शेयर्स जो कंपनी ने डिसीजन लिया, देन कंपनी हैज टू रेस्ट्रिक्ट इटसेल्फ अप टू 50,000 शेयर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा था एग्जामिन वेदर अ कंपनी कैन डू सो, तो हमने एग्जामिन कर लिया। एज पर अवर कैलकुलेशन मैक्सिमम लिमिट इज 75,000 शेयर्स, वेर एज कंपनी ने डिसाइड किया 60,000 शेयर्स बाय बैक करने का, तो ठीक है लेट द कंपनी डू दैट, कंपनी विद इन द लिमिट्स है। सो नाउ वी कैन स्टार्ट विद जनरल एंट्रीज स्टूडेंट्स, अभी एंट्रीज से स्टार्ट करेंगे। सो एंट्रीज के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं स्टूडेंट्स हमेशा पहले। सो विल स्टार्ट विद फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक इज इक्वल टू प्रोसीड्स ऑफ रश इश्यू प्लस फ्री रिजर्व्स। कितने शेयर्स कंपनी ने बाय बैक करने का इरादा किया है, 60,000, अभी हमने फाइंड किया ना 20%। व्हाट इज द फेस वैल्यू पर शेयर, 10, तो 60,000 इंटू 10 करेंगे तो अमाउंट विल बी 6 लाख स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू, वी हैव रेड द एंटायर एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स, पहला एडजस्टमेंट बिलो द बैलेंस शीट दे आर टॉकिंग अबाउट बाय बैक, सेकंड इज रिगार्डिंग रिडम्पशन, एंड थर्ड इज रिगार्डिंग सम कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स स्टूडेंट्स। सो कैंसिल डिबेंचर्स कुछ कैंसिल होने वाला है तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमने सॉरी सो दे हैव नॉट गिवन एनी फ्रेश इश्यू स्टूडेंट, सो फॉरगेट फ्रेश इश्यू, सो एंटायर अमाउंट वी हैव टू टेक इट फ्रॉम वेयर स्टूडेंट्स, फिर हमको फ्री रिजर्व से लेना पड़ेगा, विच फ्री रिजर्व इज गिवन टू अस इन बैलेंस शीट स्टूडेंट्स, फ्रेश इश्यू है स्टूडेंट्स, फ्रेश इश्यू है स्टूडेंट, सी सी फ्रेश इश्यू था,
60,000 शेयर्स कंपनी हैज डिसाइडेड टू बाय बैक स्टूडेंट्स. ठीक है ना स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ फनडीज अमाउंट 200,000 दिया है. 200,000 का मतलब 20 लाख. बिलो इन ब्रैकेट व्हाट दे हैड सेड इश्यूड 2 months बैक फॉर द पर्पस ऑफ बाय बैक. स्टूडेंट्स क्लियरली मेंशन किया है वो शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स इशू क्यों किया था, क्योंकि आपको इक्विटी शेयर्स बाय बैक करना था. तो फ्रेश इशू इज गिवन 200,000 मतलब 20 लाख. तो स्टूडेंट्स फ्री रिजर्व से कुछ नहीं लेना है, क्योंकि आपको वापस कितना करना है 6 लाख बाय बैक करना है, और आपने अरेंज कितना कर लिया फ्रॉम फ्रेश इशू 20 लाख. नाउ द क्वेश्चन एक्चुअली अराइजेस व्हाट स्टूडेंट्स, कि ये जो है ना फ्रेश इशू ये आज नहीं किया है, 2 months बैक किया है. क्या ये अलाउड है ऐसा कि बायबैक आप आज कर रहे हैं, 2 months बैक का आप इश्यू लिख सकते हैं? यस, एज पर द कंपनीज एक्ट इट इज अलाउड. सेक्शन 68 में जो कंडीशंस है वहाँ पे है, मेंशन है कि स्टूडेंट्स पास्ट में अगर आपने कोई फ्रेश इशू किया है अप टिल 1 year, पास्ट 1 year में भी अगर कोई फ्रेश इशू किया है, बट फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक, हाँ वो पर्पज बायबैक के लिए होना चाहिए, तो देन इट कैन बी कंसिडर्ड नाउ एट द करंट स्टेज. इसके लिए आप उसको यहाँ पे 20 lakh लिख सकते हैं. सो दैट मीन्स नथिंग शुड बी टेकन फ्रॉम फ्री रिजर्व. सो हमने पूरा फ्रेश इशू. अच्छा, नाउ वी स्टार्ट विद जनरल एंट्रीज. मेक अ कॉल, रिसीव अ कॉल नहीं आएगा बिकॉज इक्विटी शेयर्स आर फुल्ली पेड अप. नेक्स्ट कम्स व्हाट स्टूडेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. कोई एडजस्टमेंट है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का स्टूडेंट, कोई इन्वेस्टमेंट बेचा? यस, फॉर दिस पर्पस बायबैक के पर्पस के लिए इट्स सोल्ड इज इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 लाख फॉर 25 लाख. आपने एक इन्वेस्टमेंट बेच दिया. सो जब भी आप एसेट बेचते हैं, इन्वेस्टमेंट बेचते हैं, सो बैंक अकाउंट डेबिट स्टूडेंट. ओके, इन्वेस्टमेंट बेचा, कितने में बेचा स्टूडेंट्स हमने? इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 लाख फॉर 25 लाख. तो स्टूडेंट दैट मीन्स हमको लॉस हो रहा है. ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. बैंक में हम लोग कितना लिखते हैं हमेशा? सेलिंग प्राइस. इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 लाख फॉर 25 लाख. सो बैंक अकाउंट में प्लीज 25 लाख आएगा. एंड इन्वेस्टमेंट में कितना आएगा? उसका कॉस्ट, कॉस्ट कितना है स्टूडेंट्स? 30 लाख. ओके, सो दैट मीन्स देर इज अ डिफरेंस, वो लॉस हो जाएगा हमारे लिए. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितने का लॉस हो गया? 5 लाख. ओके, सो दिस वॉज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. इट वॉज क्लियरली स्पेसिफाइड फॉर दिस पर्पज, मतलब वो बायबैक के साथ में दिया है. सो दिस सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड टू बायबैक. अच्छा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बाद होता है नेक्स्ट फ्रेश इश्यू. तो क्या मैं फ्रेश इश्यू का जनरल एंट्री रिकॉर्ड करूंगा? नो स्टूडेंट्स, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्वेश्चन सिंपल है, सब कुछ हम कर चुके हैं. अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फ्रेश इश्यू कब हुआ था स्टूडेंट्स? 2 months बैक. और ये ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया है ना, दैट मीन्स आपका अकाउंटेंट जो है उसने ऑलरेडी ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया है. स्टूडेंट्स ट्रांजेक्शन इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन जर्नल, दैट इज द रीजन नाउ इट इज अपियरिंग इन बैलेंस शीट. आपके जर्नल में अकाउंटेंट ने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है, इसके लिए तो बैलेंस शीट में ये प्रेफरेंस शेयर्स आए स्टूडेंट्स, नहीं तो कैसे आता? सो स्टूडेंट्स ठीक है, फ्रेश इशू मैंने इक्वेशन में तो लिखा है आपको समझाने के लिए कि दीज शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स विच वॉज स्पेसिफाइड इन बैलेंस शीट, ओवर देयर इट वॉज क्लियरली स्टेटेड कि प्रेफरेंस शेयर्स वर इश्यूड फॉर वॉट पर्पज? फॉर द पर्पज ऑफ बाय बैक, इसके लिए मैंने इक्वेशन में लिखा. बट क्या मैं उसका एंट्री लिखूंगा? नो, फॉर द सिंपल रीजन इट इज ऑलरेडी अपियरिंग इन बैलेंस शीट, क्योंकि ये 2 महीने पहले ये ट्रांजैक्शन हो चुका है एंड ऑलरेडी द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड. हाउ आई नो इट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड? सिंपल है स्टूडेंट्स, सिंपल कॉमन सेंस. जब बैलेंस शीट में वो अपियर कर रहा है, दैट मींस लेजर में, जर्नल में ऑलरेडी कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड हो चुका है ना, आपके अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर लिया है ना. सो व्हेन इट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड, व्हाई शुड आई रिकॉर्ड इट ट्वाइस? वापस से क्यों रिकॉर्ड करूं? भूल जाओ. दैट इज द रीजन आई एम नॉट रिकॉर्डिंग फ्रेश इशू का एंट्री स्टूडेंट्स. ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर फ्रेश इशू कम स्टूडेंट्स व्हाट? प्रीमियम ऑन बायबैक है ना, तो डिसाइड करते हैं. देखो वहाँ पे क्या दिया आपको, कंपनी पास ए रेजोल्यूशन टू बायबैक 20% ऑफ इक्विटी कैपिटल एट 15 पर शेयर. स्टूडेंट्स फेस वैल्यू शेयर का कितना है? फेस वैल्यू शेयर का 10 एंड ऑफर प्राइस मैंने शॉर्ट में लिख दिया 15. ऑफर प्राइस इज 15, दैट मीन्स प्रीमियम ऑन बायबैक कितना हुआ? 5. कितने शेयर्स आप बायबैक कर रहे हैं स्टूडेंट्स? 60,000. तो 60,000 इंटू 5 करोगे तो आपको कितना प्रीमियम देना होगा? 3 लाख देना होगा स्टूडेंट्स. Yes or no? ठीक है, आगे सोन में. तो अब स्टूडेंट्स प्रीमियम हम क्या करते हैं, पहले बैलेंस शीट देखते हैं. बैलेंस शीट में कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है क्या? स्टूडेंट्स देखो वहाँ पे दिया है 500,000. 500,000 मतलब 5 लाख है. ओके, तो 5 लाख ऑलरेडी है ना आपके पास, और आपको देना कितना है स्टूडेंट? सिर्फ 3 लाख देना है ना, तो यू कैन ईजिली गिव इट आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम. तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूटिलाइज करेंगे. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट
टू प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट क्रेडिट. सो अमाउंट विल बी हाउ मच वी हैव टू पे 3 लाख. कितना पे करना है हमको? 3 लाख. ओके. नेक्स्ट आफ्टर प्रीमियम ऑन बाय बैक नेक्स्ट कम्स अमाउंट पेएबल. जर्नल एंट्री फॉर अमाउंट पेएबल इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. बाय बैक प्रीमियम पे हो रहा है. सो प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट. अमाउंट कहां से लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 6 लाख, दैट विल बी योर इक्विटी शेयर कैपिटल. प्रीमियम ऑन बाय बैक प्रीवियस एंट्री से कॉपी कर लेंगे 3 लाख स्टूडेंट्स. सो टोटल विल बी 9 लाख. अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे ये इक्वल टू साइन है ना स्टूडेंट्स एट द टॉप सी ईयर इन द इक्वेशन. सो इक्वल टू यहाँ पे मतलब क्या है स्टूडेंट? ये 6 लाख है, ये 20 लाख है, तो इक्वेशन टैली नहीं हो रहा है. यार इक्वेशन का मतलब क्या है कि मिनिमम आपको 6 लाख वापस करना है ना, तो या तो फ्रेश इशू से 6 लाख लाओ या फ्री रिजर्व से लाओ. उससे ज़्यादा आ जाता है. इफ़ यू कैन अरेंज मोर देन दैट, गुड फॉर यू, गुड फॉर द कंपनी स्टूडेंट्स. फिर ऐसा मत सोचना है कि इक्वल टू साइन है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच नहीं हो रहा है. मैच करना है, मिनिमम आपको मैच करना है, बट उससे ज़्यादा अरेंज कर लिया है, आपको वापस करना है 6 लाख, बट फ्रेश इशू से आपने 20 लाख अरेंज कर लिया, गुड फॉर द कंपनी स्टूडेंट्स. फिर सोचना नहीं कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रहा है. ठीक है. सो दिस वॉज प्रीमियम ऑन बाय बैक, सॉरी अमाउंट पेएबल. नेक्स्ट अमाउंट पेएबल के बाद हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? अमाउंट पेड स्टूडेंट्स. जर्नल एंट्री फॉर अमाउंट पेड इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. प्रीवियस एंट्री से अमाउंट कॉपी कर लो 9 लाख, सॉरी 9 लाख. ओके. सो दिस वॉज फॉर अमाउंट पेड. फाइनली क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्रांसफर टू CRR. उसके लिए इक्वेशन देखो स्टूडेंट्स. इक्वेशन में फ्री रिजर्व से कुछ भी यूज किया क्या? नथिंग. वहां पे निल लिखा हुआ है, सो देर कान बी ट्रांसफर टू CRR. सो दिस वॉज वॉट स्टूडेंट्स? ये बाय बैक हुआ इक्विटी शेयर्स का. क्वेश्चन में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी पूछा है, वो भी करते हैं, नो नीड टू वरी. सो फर्स्ट अगेन स्टूडेंट्स, कंपनी ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि हाउ मेनी शेयर्स टू बाय बैक. उन्होंने लिखा था 20% ऑफ इक्विटी कैपिटल, और लास्ट में उन्होंने पूछा था एग्जामिन वेदर द कंपनी कैन डू सो. सो ठीक है, एग्जामिन करना है तो कोई बात नहीं. तो हमने वो हम जो हमेशा कैलकुलेशन करते हैं वो मैंने कैलकुलेशन किया है यहाँ पे. पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमेशा सोर्स से. तो सोर्स में क्या आता है? ऑल डिविजिबल प्रॉफिट प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम. ठीक है स्टूडेंट्स. फिर उसके बाद 25% ऑफ ओन फंड्स. उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व, तो ओन फंड्स आता है. ये टोटल है ओन फंड्स का, फिर 25%. ओके स्टूडेंट्स. नाउ व्हाट हैपेंस? मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं लिखा क्योंकि सेक्शन 68 में क्या, एज पर द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट. ठीक है, ऐसा आइटम जो लास्ट बैलेंस शीट में था उसको लिखना है, दैट इज द मीनिंग. तो प्रेफरेंस शेयर से कैपिटल तो आपने जस्ट 2 मंथ्स बैक, उसको 2 ईयर्स बैक नहीं लिखा स्टूडेंट्स, 2 मंथ्स बैक लिखा है. 2 मंथ्स बैक आपने उसको इश्यू किया था, तो अभी तक वो ऑडिट तो हुआ नहीं होगा स्टूडेंट्स उसका, इसके लिए मैंने वो आइटम लिखा नहीं है स्टूडेंट्स. ओके. नाउ आउट जाओ डेप्थ डिवाइड बाई टू. डेप्थ मैंने 70,000 क्यों लिखा? ऑल दो इन बैलेंस शीट इट इज गिवन एज 4 लाख, बिकॉज लास्ट एडजस्टमेंट उन्होंने कहा है कि 3 लाख आपका कुछ डिबेंचर्स है ना स्टूडेंट्स, वो आपको कैंसिल करना है इसी दिन. तो इसी दिन कैंसिल करना है, तो 4 लाख में से 3 लाख 30 माइनस किया, तो दिस इज 70,000. आपके रेफरेंस के लिए यहां मैं लिख देता हूं व्हाई वी टुक दैट. इट इज 4 लाख माइनस 3 लाख 30,000, दैट इज द रीजन वी रिकॉर्डेड 70,000. ओके स्टूडेंट्स. देन मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड किया, तो वी गॉट 75,000. अच्छा ठीक है, ये मैक्सिमम लिमिट है. कंपनी ने क्या डिसाइड किया है कि दे विल बाय बैक हाउ मेनी? 20% ऑफ द शेयर. कंपनी है डिसाइडेड 20% ऑफ इक्विटी कैपिटल विच कम्स टू 60,000 शेयर्स, और हमारा लिमिट के हिसाब से कितना आ गया स्टूडेंट? 75,000 शेयर्स. सो इट इज विद इन द लिमिट. अच्छी बात है, तो ठीक है, कंपनी कैन बाय बैक 60,000 शेयर्स. सपोज दिस आंसर कम्स टू 50,000, ये लीस्ट ऑफ द अबाउ 4 अगर हम करते और ये आंसर वो हिसाब से आपको 50,000 शेयर्स आता स्टूडेंट्स. सो इन दैट केस स्टूडेंट्स प्लीज नोट, देन यू कांट बाय बैक 60,000. फिर कंपनी का डिसीजन रॉन्ग हो जाता, फिर कंपनी को कितना बाय बैक करना पड़ता? सिर्फ 50,000 शेयर्स बाय बैक करना पड़ता. ठीक है.
Next comes redemption of preference shares. Company redeem preference shares at a premium of 10%. So students, again, क्या किससे start करते हैं? Face value of preference shares to be redeemed is equal to fresh issue plus आप लोग divisible profit लिखते होंगे तो divisible profit या free reserve, दोनों का meaning एक ही होता है. Okay, now students, देखो कितना preference share redeem करना है. कुछ mention नहीं किया, मतलब entire preference share capital. Entire preference share capital मतलब 20 lakh. Okay. कोई फ्रेश इश्यू है क्या? नहीं है स्टूडेंट्स. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में कोई फ्रेश इश्यू नहीं है. सो एंटायर अमाउंट हैज टू बी टेकन आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट. कौन सा डिविजिबल प्रॉफिट हमको दिया है स्टूडेंट्स? रेवेन्यू रिजर्व दिया है. सो बेटर विल टेक दिस फ्रॉम रेवेन्यू रिजर्व. ये रेवेन्यू रिजर्व से लेंगे फॉर द सिंपल रीजन रेवेन्यू रिजर्व में खूब बैलेंस है. 4,000 rupees इन 1,000 मतलब वो 40 lakh है. सो नाउ वी कैन स्टार्ट विद द जनरल एंट्रीज. अगेन मेक अ कॉल, रिसीव अ कॉल नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप. देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या होता है उसके बाद? एनी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट था बट दैट वॉज रिलेटेड टू बाई बैक एंड आई हैव रिकॉर्डेड ऑलरेडी. ओके नेक्स्ट, एनी फ्रेश इश्यू? नहीं भाई, रिडम्पशन के लिए कोई फ्रेश इश्यू नहीं है. ओके नेक्स्ट पॉइंट इज वॉट स्टूडेंट्स? अमाउंट, सॉरी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. इज देयर एनी प्रीमियम रिडम्पशन? यस, कंपनी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट 10% प्रीमियम. सो आप 20 lakh प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये 20 lakh है, आप उसको रिडीम करना चाहते हैं 10% पे. सो दैट मीन्स यू हैव टू पे प्रीमियम ऑफ हाउ मच स्टूडेंट्स? 2 lakh का प्रीमियम पे करना है. क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम इतना बैलेंस अवेलेबल है कि नहीं? देखो स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज प्रीमियम इज हाउ मच? इट इज गिवन एज 5 lakh. 500,000 मतलब 5 lakh, बट ऊपर हम कुछ यूज कर चुके थे स्टूडेंट्स आपके रेफरेंस के लिए. मुझे तो याद है, सी हाउ मच, 3 lakh हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं. तो 5 वॉज गिवन इन बैलेंस शीट, 3 ऑलरेडी यूटिलाइज. सो राइट नाउ अवेलेबल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2 lakh. तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 lakh अवेलेबल है और पे भी कितना करना है? एग्जैक्ट 2 lakh स्टूडेंट्स. सो गुड फॉर अस, हमारे पास है सिक्योरिटीज प्रीमियम में. सो नो नीड टू वरी. सो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन, अभी रिडम्पशन लिखेंगे स्टूडेंट्स, है ना, कि वो देव सेड कि रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर. सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना अमाउंट है ये स्टूडेंट्स? 2 lakh. ओके, हो गया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी. नेक्स्ट कम्स व्हाट आफ्टर प्रीमियम रिडम्पशन? नेक्स्ट कम्स अमाउंट पेएबल. ठीक है, अमाउंट पेएबल का जनरल एंट्री क्या होगा स्टूडेंट्स? प्रेफरेंस शेयर की बात हो रही है, प्रेफरेंस शेयर का नाम क्या है बैलेंस शीट में? 9% प्रेफरेंस शेयर. सो विल राइट दैट वे स्टूडेंट्स, वैसे ही नाम लिखना पड़ेगा. 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. प्रीमियम भी देना है उनको. सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट. स्टूडेंट्स इक्वेशन से आएगा आंसर. सी कितना हम रिडीम कर रहे हैं? 20 lakh. सो हियर आई विल राइट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 lakh. प्रीवियस एंट्री में प्रीमियम कितना लिखा हमने? 2 lakh. सो 2 lakh ओवर हियर. सो टोटली हाउ मच वी हैव टू पे? 22 lakh. सो दिस वॉज अमाउंट पेएबल. सेम लाइक बाय बैक स्टूडेंट्स. ओके नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? अमाउंट पेड, जनरल एंट्री फॉर दैट विल बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अमाउंट फ्रॉम द प्रीवियस एंट्री 22 lakh. ओके, देन ट्रांसफर टू CRR, गो टू ईयर इक्वेशन. 20 lakh हमने यूज किया था और रेवेन्यू रिजर्व से यूज किया था स्टूडेंट. सो दैट विल जनरल एंट्री वी हैव टू रिकॉर्ड. Revenue reserve account debit 2 capital redemption reserve account. How much we have utilized from capital redemption reserve account? 20 lakh students. So yahan pe hum log likhenge 20 lakh.
So this was what students transfer to CRR. Okay, next then, कोई बोनस वगैरह उन्होंने कहा है स्टूडेंट्स? नो. सो वी हैव डन विद बायबैक एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स? सो हियर आई एम रिकॉर्डिंग दैट पॉइंट्स, वो आपको ध्यान रखना. ये क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स. ओके, वॉट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? पहला हमने क्या किया स्टूडेंट्स? फ्रेश इश्यू जो हमको दिया है, फ्रेश इश्यू is given in balance sheet. Adjustment में नहीं दिया है, is given in where students? Important point है ये fresh issue आपको balance sheet में दिया था for, और वो भी किसके लिए दिया था? Buyback के लिए, redemption of preference shares के लिए नहीं. Okay, hence considered, इसके लिए हमने उसको considered in equation में तो consider किया, बट इश्यू मेड 2 months बैक, 2 महीना पहले हुआ था ना ये इश्यू स्टूडेंट्स, एंड इट इज अपियरिंग इन बैलेंस शीट, और वो बैलेंस शीट में भी दिख रहा है हमको, विच इंडिकेट्स entry for, entry for fresh issue is already recorded. ठीक है, इसके लिए मैंने उसका एंट्री नहीं लिखा, इक्वेशन में लिखा बट एंट्री नहीं लिखा उसका, बिकॉज इट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड. कैसे पता चला? क्योंकि वो ऑलरेडी बैलेंस शीट में है. दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट. अच्छा हाँ, डिबेंचर्स कैंसिल करने का जनरल एंट्री में भूल गया. हाँ, वो पहला मैं नोट लिख देता हूँ स्टूडेंट, देन आई विल कैंसिल दैट डिबेंचर्स. प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने किया था कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स. डिबेंचर्स कैंसल्ड आर नॉट कंसिडर्ड इन पॉइंट नंबर, ऊपर जो हम चार डिफरेंट पॉइंट्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में हमने उसको पॉइंट नंबर 3 में कंसिडर नहीं किया, वहाँ पे डिडक्ट किया था 4 लाख में से, वो 3,30,000 माइनस किया था. बट स्टूडेंट्स का एंट्री रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मैं भूल गया, आई हैव टू रिकॉर्ड दैट जनरल एंट्री. प्री लास्ट टाइम भी मैंने ऐसा एक क्वेश्चन किया था, उसमें वो एंट्री रिकॉर्ड किया, तो लेट मी रिकॉर्ड दैट एंट्री स्टूडेंट. सॉरी, जनरल एंट्री फॉर दैट विल बी, लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था, वंस अगेन, डिबेंचर्स अगर आप बायबैक करता है, कंपनी अगर बायबैक करती है, दे कैन हेल्ड सच डिबेंचर्स फॉर इन्वेस्टमेंट, इट इज अलाउड, बट इक्विटी शेयर्स बायबैक करके यू कैन हेल्ड इट एज डिबेंचर्स, इट्स नॉट अलाउड स्टूडेंट्स. ओके, डिबेंचर स्टूडेंट्स दे कैन बी बॉट बैक एंड हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इट इज अलाउड, बट स्टूडेंट्स इक्विटी शेयर्स कैन बी बॉट बैक एंड दे हैव टू फिजिकली डिस्ट्रॉय दो सर्टिफिकेट्स. तो ठीक है, अभी डिबेंचर्स कैंसिल करने बोल रहा है. डिबेंचर इज अ लाइबिलिटी स्टूडेंट्स फॉर द कंपनी, इट इज ऑलवेज अ लाइबिलिटी ना, तो स्टूडेंट्स लाइबिलिटी कैंसिल करना है. लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो अब उसको कैंसिल करना है तो डेबिट करना पड़ेगा. वट इज द नेम ऑफ डिबेंचर्स गिवन इन बैलेंस शीट? इट इज गिवन एज 10% डिबेंचर्स. सो जनरल एंट्री विल बी 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. इट इज हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, एसेट का क्रेडिट बैलेंस होता है स्टूडेंट, सॉरी डेबिट बैलेंस होता है. इफ यू वॉन्ट टू कैंसिल यू हैव टू क्रेडिट इट, सो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. ठीक है, सो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट, दैट इज द एंट्री वी आर रिकॉर्डिंग एक्चुअली. अच्छा, एडजस्टमेंट में देखो डिबेंचर्स का फेस वैल्यू, बिकॉज डिबेंचर्स लाइक शेयर कैपिटल शुड बी रिकॉर्डेड एट फेस वैल्यू, सो 3,30,000. बट उसका कॉस्ट इन्वेस्टमेंट का कितना दिया है? कॉस्टिंग रुपीज 3 लाख. सो स्टूडेंट दिस इज 3 लाख. So that means there is a difference, entry match नहीं हो रही, tally नहीं हो रही, so two capital reserve account, कितने का difference है? 30,000 का, so here will record 30,000. So
So this is the entry for cancellation of debentures. So दो important point था, एक fresh issue का and debentures जो cancelled. Okay? So now we start with balance sheet students. मेरा balance sheet तो students again वो already ready है, जो खाली ये rub करना पड़ेगा. It's already ready. अगेन वॉट फॉर्मेट्स और सॉरी वॉट शेड्यूल्स भी रिक्वायर. शेयर कैपिटल डेफिनेटली बनाना पड़ेगा, रिजर्व भी डेफिनेटली बनना पड़ेगा. दैट्स ऑल, दो में हो जाएगा स्टूडेंट्स. जस्ट टू शेड्यूल्स आर रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स, जस्ट टू शेड्यूल्स आर रिक्वायर्ड. ओके, नाउ विल स्टार्ट विद लाइबिलिटीज साइड. फर्स्ट लाइबिलिटीज देख लो पहले. ऑथराइज कैपिटल स्टूडेंट्स, हाउ मच दे हैव सेड? 5000 मतलब स्टूडेंट्स 50 लाख है स्टूडेंट्स वो. तो ऑथराइज कैपिटल तो हम लोग डायरेक्टली कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? शेड्यूल में रिकॉर्ड कर लेंगे अपना. तो स्टूडेंट्स ठीक है, सो विल गो टू ऑथराइज कैपिटल. यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा नाउ हाउ टू रिकॉर्ड स्टूडेंट. बट वहाँ पे कोई डिटेल नहीं दिया स्टूडेंट, ध्यान से देखो वहाँ कोई डिटेल नहीं है. दे हैव नॉट गिवन अस एनी डिटेल. ठीक है, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे अभी इसको? नाउ स्टूडेंट्स आई डोंट नो डिटेल्स डैश डैश डैश. इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज, हाउ मच? इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 ऑफ रुपीज 10 इंच. अगेन डैश 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 मतलब सो एंड सो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, दैट इज द मीनिंग स्टूडेंट्स. क्योंकि वो डिटेल्स नहीं दिया है तो मैं कोई अजम्पशन नहीं कर सकता. प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100, दोनों का टोटल आई नो इट इज 5000, इट इज गिवन इन बैलेंस शीट. बट उसमें इक्विटी कितना है, प्रेफरेंस कितना, आई डोंट नो बिकॉज नथिंग स्पेसिफाइड. तो कोई अजम्पशन मत करना सोच, जस्ट उसको ऐसे ही लिख लिया हमने. नाउ स्टार्ट विद इश्यूड कैपिटल. 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इंच फुल्ली पेड स्टूडेंट्स. 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इंच फुल्ली पेड. हमेशा हम लोग फर्स्ट एंट्री से चेक करते हैं. फर्स्ट एंट्री हमारा कहाँ पे था स्टूडेंट्स? यहाँ से स्टार्ट हुआ था. ओके, जर्नल एंट्रीज ऊपर सब वर्किंग्स था, वो बायबैक का जो 4 पॉइंट्स, यहाँ से एंट्रीज हमारा स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट. सो फाइन इक्विटी शेयर कैपिटल, हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं स्टूडेंट्स? इक्विटी शेयर कैपिटल ढूंढ रहे हैं. सो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ पे है. एंट्री नंबर ये वन इन्वेस्टमेंट, टू प्रीमियम ऑन बायबैक, थ्री इक्विटी शेयर कैपिटल. यहाँ पे डेबिट किया स्टूडेंट. सो डेबिट किया मतलब माइनस करने का. हाउ मच इज गिवन इन बैलेंस शीट? इट इज 3000. 3000 मतलब वो 30 लाख है. 30 लाख में से 6 लाख माइनस कर दो. So 30 लाख माइनस 6 लाख विल बी हाउ मच स्टूडेंट्स? 30 माइनस 6 लाख विल बी 24 लाख. आगे भी ढूंढ लेते हैं कोई इक्विटी शेयर कैपिटल है क्या स्टूडेंट्स? आई डोंट थिंक सो. आगे सब प्रेफरेंस शेयर की बात थी, इट वॉज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर स्टूडेंट्स. सो देर इज नो इक्विटी शेयर फर्दर. सो 24 लाख है स्टूडेंट्स और फेस वैल्यू पर शेयर कितना है? 10. सो 24 लाख को जब डिवाइड बाई 10 करेंगे सो नंबर ऑफ शेयर विल बी 2,40,000. तो ठीक है स्टूडेंट्स, 2,40,000. सो हियर विल राइट अंडर इश्यूड सब्सक्राइब पेड अप 2,40,000. इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10, अमाउंट हमको कितना आया था? 24 लाख. ओके, आफ्टर इक्विटी शेयर अगेन गो टू द बैलेंस शीट. प्रेफरेंस शेयर स्टूडेंट्स, प्रेफरेंस शेयर की एंट्रीज यहाँ थी स्टूडेंट्स. आई कैन चेक फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री स्टूडेंट्स, बट हमने मैनी क्वेश्चन भी हैव डन और आपके पास नोटबुक में सारी एंट्रीज सामने होंगी. तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री. मैं बार बार शीट ऊपर लेके जाऊंगा, नीचे लेके जाऊंगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा. आप अपनी नोटबुक में, आपने तो रिकॉर्ड किया होगा एंट्री स्टूडेंट्स, रेफर दोज एंट्री स्टूडेंट्स. स्टार्टिंग में नहीं है प्रेफरेंस शेयर, डेफिनेटली यहीं पर मिलेगा आपको प्रेफरेंस शेयर स्टूडेंट्स. ये रहा प्रेफरेंस शेयर. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपने डेबिट किया, लाइबिलिटी डेबिटेड मतलब स्टूडेंट्स माइनस करने का. सो 20 लाख गिवन इन बैलेंस शीट, 20 लाख यहाँ पे डेबिट. सो 20 माइनस 20 विल बी 0. सो प्रेफरेंस शेयर विल नॉट अपियर इन न्यू बैलेंस शीट. नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या है? कैपिटल रिजर्व. देखो रिजर्व इन सरप्लस में कैपिटल रिजर्व है 10,000 है. एंड स्टूडेंट्स ईयर देखो, यहाँ पे हमने लास्ट में एक एंट्री रिकॉर्ड किया कैपिटल रिजर्व. मैं भूल गया था वो एंट्री मैंने लास्ट में रिकॉर्ड. सी कैपिटल रिजर्व 30,000 क्रेडिट लाइबिलिटी क्रेडिटेड मतलब ऐड करने का स्टूडेंट्स. सो 10,000 गिवन इन बैलेंस शीट प्लस 30,000, सो टोटल बिकम्स 40,000. कहाँ पे आएगा ये? रिजर्व्स इन सरप्लस में आएगा स्टूडेंट. दिस विल गो टू रिजर्व्स इन सरप्लस. सो अंडर रिजर्व्स इन सरप्लस विल राइट कैपिटल रिजर्व 40,000. अमाउंट विल बी 40,000. ओके, नेक्स्ट कैपिटल रिजर्व के बाद क्या है स्टूडेंट्स? रेवेन्यू रिजर्व. रेवेन्यू रिजर्व स्टार्टिंग से ढूंढ लेते हैं चलो, क्योंकि ऊपर बायबैक में भी हो सकता है ना हमने रेवेन्यू रिजर्व यूज किया हो. ठीक है, यहाँ देखते हैं
स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई सीआरआर का एंट्री था ही नहीं बिकॉज पूरा फ्रेश इश्यू हुआ था बायबैक में. ओके देखो यहाँ पे कोई फ्री रिजर्व हमने यूज नहीं किया, देर वॉज नो जनरल एंट्री फॉर ट्रांसफर टू सीआरआर फॉर बायबैक आई एम टॉकिंग अबाउट. बट स्टूडेंट्स रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में हमने रेवेन्यू रिजर्व यूज किया, कितना यूज किया है 20 लाख स्टूडेंट्स. सो लाइबिलिटी हमने क्या किया, डेबिट किया. डेबिट किया तो उसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग माइनस करते हैं. सो हाउ मच इज गिवन इन बैलेंस शीट, 40 लाख ना, 4000 मतलब स्टूडेंट्स क्या है वो 4000 रुपीज इन 1000 मतलब 40 लाख ना. तो 40 लाख में से हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स ये माइनस कर लो 20 लाख. सो 40 लाख माइनस 20 लाख नेट आंसर विल बी 20 लाख. सो स्टूडेंट्स विल गो हियर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बिलो कैपिटल रिजर्व, सॉरी रेवेन्यू रिजर्व, हाउ मच 40 माइनस 20, सो नेट आंसर विल बी 20 लाख. चलो ये भी हो गया. नेक्स्ट स्टूडेंट्स कैपिटल रिजर्व हो गया, रेवेन्यू रिजर्व, नेक्स्ट क्या है सिक्योरिटीज प्रीमियम. तो आ जाओ वापस से देखते हैं, चेक कर लेते हैं राइट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री. ओके सिक्योरिटीज प्रीमियम हियर वी हैव 3 लाख स्टूडेंट्स मिला. सो हाउ मच इज गिवन इन बैलेंस शीट इज 500,000. 500,000 का मतलब हो गया 5 लाख. 5 लाख में से पहला 3 लाख यहाँ यूज किया तो माइनस करो, तो 5 माइनस 3 विल बी 2 लाख. आगे भी ढूंढ लो सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ पे है, हियर स्टूडेंट्स 2 लाख. सो 5 माइनस 3 इज 2, 2 माइनस 2 इज 0. तो स्टूडेंट्स 2 लाख कहाँ जाएगा, सॉरी 2 माइनस 2 इज 0. सो दैट मीन्स फॉरगेट इट, इट वोंट अपियर इन न्यू बैलेंस शीट. अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो 1800,000. 1800,000 का सिंपल मीनिंग 18 लाख हुआ स्टूडेंट्स. कहाँ पे था प्रॉफिट एंड लॉस स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंट्री में हमने सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट किया था ना, वहाँ पे मिलेगा आपको. देखो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 50,000 हमने डेबिट किया था स्टूडेंट्स, यस 50,000 सॉरी 5 लाख, इज नॉट 50,000 इज 5 लाख. सो 18 लाख गिवन इन बैलेंस शीट, 5 लाख हमने डेबिट किया. सो 18 लाख माइनस 5 लाख नेट आंसर विल बी 13 लाख. तो स्टूडेंट्स 13 लाख कहाँ पे जाएगा हमारा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 13 लाख. ओके नेक्स्ट, चलो प्रॉफिट एंड लॉस भी हो गया. नेक्स्ट क्या है उसके बाद, 10% डिबेंचर्स स्टूडेंट्स, 10% डिबेंचर्स स्टूडेंट. देखो लास्ट एंट्री में था डायरेक्ट हमने कैंसिल किया ना वो डिबेंचर्स को, ये रहा डिबेंचर्स 3,30,000. सो लाइबिलिटी है उसको आपने डेबिट कर दिया, डेबिट किया मतलब माइनस करो. सो हाउ मच इज गिवन बैलेंस शीट में, इट इज गिवन एज 4 लाख. 4 लाख में से स्टूडेंट्स 3,30,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 70,000. दैट आई विल रिकॉर्ड डायरेक्टली टू बैलेंस शीट स्टूडेंट. सिंपल रीजन, मैंने उसका कोई वर्किंग नहीं बनाया क्योंकि वो एक ही आइटम है ना. तो बैलेंस शीट में जाते हैं, हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है ना, अगेंस्ट लॉन्ग टर्म बोरिंग्स डायरेक्टली बैलेंस शीट में हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे स्टूडेंट्स. So 4 लाख माइनस 3,30,000, सो दिस विल बिकम 70,000. ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर डिबेंचर्स नेक्स्ट व्हाट इज गिवन, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन. इफ यू वांट यू कैन चेक द एंट्री स्टूडेंट राइट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री टिल द लास्ट, आपको कहीं भी करंट लाइबिलिटी करके कुछ नहीं मिलेगा. क्रेडिटर्स यहाँ थे फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट यहाँ से स्टार्ट हुआ था. सी देर इज नो करंट लाइबिलिटी स्टूडेंट्स, एक भी एंट्री में आपको करंट लाइबिलिटी क्रेडिटर बिल्स पेबल या बैंक ओवरड्राफ्ट ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा. तो स्टूडेंट दैट मीन्स इट विल रिमेन सेम. तो करंट लाइबिलिटी प्रोविजंस उन्होंने कितना कहा है स्टूडेंट्स 40,000. सो अगेन स्टूडेंट्स वो सेम रहेगा तो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं उसको बैलेंस शीट में लिख लेते हैं करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन. आई डोंट नो उसमें एग्जैक्टली क्या क्या है, मैंने टोटल लिख दिया आउटर कॉलम में 40,000. ओके नेक्स्ट क्या है उसके बाद स्टूडेंट, नेक्स्ट इज फिक्स्ड एसेट. इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू द एंट्री स्टूडेंट्स राइट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री स्टूडेंट्स, कहीं भी आपको फिक्स्ड एसेट नहीं मिलेगा. सॉरी यहाँ से था बैंक अकाउंट डेबिट, कोई फिक्स्ड एसेट सिक्योरिटी प्रीमियम इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर रेवेन्यू रिजर्व डिबेंचर, देर इज नो फिक्स्ड एसेट. सो गो टू बैलेंस शीट, डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाओ और उसको रिकॉर्ड कर लो स्टूडेंट्स फिक्स्ड एसेट. नाउ कितना रिकॉर्ड करेंगे स्टूडेंट, जो दिया है बस उसी को कॉपी कर लेंगे. फिक्स्ड एसेट हाउ मच कॉस्ट लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2750,000. आगे 3 जीरो और लिख लेंगे. ओके आई डोंट नो ब्रेकअप मुझे पता नहीं है स्टूडेंट्स उसमें टैंजिबल इनटैंजिबल क्या क्या कितना है, बस मैं टैंजिबल के सामने लिख देता हूँ 2750,123 27,50,000. इन्वेस्टमेंट है पे स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट का एक एडजस्टमेंट था राइट, द फर्स्ट एडजस्टमेंट फर्स्ट एंट्री था हमारा इन्वेस्टमेंट का. हाउ मच इज गिवन इन बैलेंस शीट स्टूडेंट्स,
बैलेंस शीट में हमको कितना दिया था, 5000 1000, 5000 1000 मतलब स्टूडेंट्स 50 लाख था, उसमें से हमने कुछ इन्वेस्टमेंट बेचा, देखो यहाँ पे 30 लाख का स्टूडेंट, सो 50 लाख एसेट डेबिट बैलेंस होता है, आपने बेच दिया क्रेडिट किया तो उसको माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, सो 50 लाख माइनस 30 लाख, तो स्टूडेंट्स कितना बचेगा इन्वेस्टमेंट हमारा, इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट, नहीं एक और आगे भी इन्वेस्टमेंट था स्टूडेंट्स, सॉरी एक और इन्वेस्टमेंट है आगे, हम भूल गए, ये मैंने लास्ट में यहाँ भी हमने बेचा था, बेचा नहीं था कैंसिल किया था सॉरी, 10 3 लाख, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ऊपर 30 लाख था एंड 10 3 लाख, सो 50 लाख इज गिवन इन बैलेंस शीट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, 5000 1000 मीन्स 50 लाख, 50 माइनस 30 लाख इज 20 लाख, 20 लाख माइनस 3 लाख विल बी 17 लाख 17, ठीक है स्टूडेंट्स, सो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के सामने हम लोग लिख लेंगे 17 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सॉरी थोड़ा सा मुझे अभी फास्ट होना पड़ेगा, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ओके 17 लाख, नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, करंट एसेट लोन्स एंड एडवांसेस इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस 4000 1000 मतलब स्टूडेंट्स 40 लाख, तो 40 लाख है, 40 लाख है, तो उसको अभी बैंक हम ढूंढ रहे हैं, बैंक स्टार्टिंग से ढूंढते हैं, पहला एंट्री से यहाँ पे बैंक स्टूडेंट्स, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट डेबिट किया मतलब स्टूडेंट्स ऐड करो, तो 40 लाख में 25 लाख ऐड करो, 4000 1000 मीन्स 40 लाख, सो 40 लाख प्लस 25 लाख, आई एम ऑल्सो यूजिंग द कैलसी स्टूडेंट्स, क्योंकि एक बैंक का 3 4 ट्रांजेक्शन है ना, देन स्टूडेंट्स हियर यू विल फाइंड बैंक क्रेडिटेड, एसेट क्रेडिट किया तो माइनस, सो माइनस 9 लाख, आगे भी ढूंढते हैं बैंक कहीं है, आगे होगा डेफिनेटली, क्योंकि हमने बाय रिडम्पशन भी किया, उसमें भी बैंक क्रेडिट है, देखो यहाँ पे क्रेडिट किया मतलब माइनस कितना है 22 लाख, सो माइनस 22 लाख, सो फाइनल आंसर एक्चुअली इज 34 लाख स्टूडेंट्स, ओके, सो करंट एसेट लोन्स एडवांसेस सबका टोटल है, आई डोंट नो एग्जैक्टली उसमें बैंक कितना है, जैसा उन्होंने कहा है बस हम लोग वो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, सो वी गॉट करंट एसेट लोन्स एंड एडवांसेस टोटल एज 34 लाख, तो ओल्ड बैलेंस शीट टोटली कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, ओल्ड बैलेंस शीट डन, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी स्टार्ट विथ जर्नल एंट्रीज अगेन, देखते हैं इसमें कुछ बाकी तो नहीं रह गया, तो स्टार्टिंग से देख लो क्या बाकी रह गया है, कोई ट्रांजेक्शन है क्या स्टूडेंट्स, प्रीमियम ऑन बाय बैक क्रेडिट, प्रीमियम ऑन बाय बैक डेबिट 3 लाख, सॉरी 30 लाख, सॉरी 3 लाख 3 लाख 0, इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट 9 लाख, इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट 9 लाख 0, भूल जाओ उसको, नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 20,000, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन सॉरी 2 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 2 लाख 0, प्रेफरेंस शेयर होल्डर 22 लाख, प्रेफरेंस शेयर होल्डर 22 लाख 0, फाइनली स्टूडेंट्स ये बचा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, वो आगे कहीं कैंसिल नहीं हो रहा है, सो दिस इज लेफ्ट, तो ये आपका जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में स्टूडेंट्स, सो विल गो टू रिजर्व्स एंड सरप्लस, बाकी सारे ट्रांजैक्शन अब कवर हो गए, सो विल गो टू रिजर्व्स एंड सरप्लस, अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस वी विल राइट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दिस 20 लाख, ओके, सो दैट्स ऑल, देयर इज नथिंग एल्स, अभी हम टोटल करते हैं, ऑथराइज कैपिटल तो काउंट नहीं करते हम लोग, सो शेयर कैपिटल में सिर्फ ये टोटल आएगा 24 लाख, रिजर्व का टोटल कर लो, पहला 20 लाख प्लस 40,000 है स्टूडेंट्स, देन रेवेन्यू रिजर्व 20 लाख एंड प्लस 13 लाख ना, सो टोटल ऑफ रिजर्व विल बी 53,40,000, 5340, बस हमने दो ही शेड्यूल बनाए थे स्टूडेंट्स, शेयर कैपिटल 24 लाख है और रिजर्व एंड सरप्लस 5340, सो शेयर कैपिटल के सामने लिख देंगे हम लोग 24 लाख, एंड दिस इज 53 लाख,
40,000. सो दोनों को ऐड कर लो, सो इट बिकम 77,40,000. देयर इज नथिंग ओवर हियर, सो आउटर कॉलम सेम 70 आ जाएगा. 77,40,000 प्लस 70 प्लस 40, टोटल इज 78,50,000 फॉर लाइबिलिटीज. 78,50,000 एसेट का टोटल चेक कर लें. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये भी कुछ नहीं है. सो 27,50,000 प्लस 17,00,000, सो इट कम्स टू 44,50,000, 44,50,000. एंड स्टूडेंट्स, करंट एसेट में एक ही अमाउंट है, 34,00,000. 44,50,000 प्लस 34,00,000, 78,50,000 मैच होता है टोटल स्टूडेंट्स एसेट लाइबिलिटी का. इट कम्स टू 78,50,000. आई एम बिट स्लो, थोड़ा मुझे फास्ट होना पड़ेगा स्टूडेंट्स. क्या अभी ओके? सो दिस इज द टोटल ऑफ बैलेंस शीट. अगेन स्टूडेंट्स, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने लिख दिया है फ्रेश इश्यू बैलेंस शीट में दिया है, एडजस्टमेंट में नहीं दिया है. दैट मीन्स आपके अकाउंटेंट ने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है. दैट इज द रीजन मैंने जर्नल में फ्रेश इश्यू का एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया स्टूडेंट्स. ओके? और फ्रेश इश्यू प्रेफरेंस शेयर्स का था, सो उसका एंट्री नहीं रिकॉर्ड किया, बट उसको इक्वेशन में लिखा स्टूडेंट्स. एंड देन वो एंड व्हाट एल्स वाज, हाँ, डिबेंचर्स कैंसिल करने की बात किया है. इसके लिए पॉइंट नंबर 3 में वो जो डिबेंचर्स कैंसिल हो रहे हैं उसको माइनस करने के बाद वी मेड द कैलकुलेशन. सीन पॉइंट नंबर 3, आई डिडक्टेड 3,30,000, फिर 70,000 को डिवाइड बाई 2 किया. एंड इक्वेशन में आई रिकॉर्डेड फ्रेश इश्यू 20,00,000 लिखा, बट फ्रेश इश्यू का एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया. अगेन फॉर द सिंपल रीजन, फ्रेश इश्यू ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है. हाउ आई नो? बिकॉज इट इज गिवन इन बैलेंस शीट, यानी आपके अकाउंटेंट ने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है. सो दीज वर द इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स. अच्छा, वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स भी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था. ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे. ओके? ये हमारा बैलेंस शीट था. एंड वी रिक्वायर्ड ओनली 2 शेड्यूल स्टूडेंट्स, खाली हमको 2 शेड्यूल की जरूरत थी, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. Following the balance sheet of company as on 31st March, equity shares of rupees 10 each fully paid 12,50,000. Bonus shares, alag se likha hai students balance sheet mein, 1,00,000. Share option outstanding account, again it is related to share students. I will explain what it is students. Share option outstanding account 4,00,000. Revenue reserve 15,00,000. Security premium 2,50,000. Profit and loss 125,000. Capital reserve 1,00,000. Revaluation reserve means capital reserve again 1,00,000. Unpaid dividend is of current liability students. Ye current liability mein jata hai. Unpaid dividend, it's not a reserve. Unpaid dividend ya other current liability mein hota hai. It is 1,00,000. 12% debenture is a loan. Long term borrowing 18,75,000. Advance from related parties, again it's a long term borrowing students. Current maturities of long-term borrowings. I will explain what it is students, current maturities. Ye important point is share option outstanding, current maturity. Aapko theoretically main explain kar dunga, practically ye chapter mein uska kya use hai ya nahi hai, I will explain that. Zyada details mein nahi jayenge students, okay? Application money received for allotment due for refund. Ye teen term important hai, baki pura jaisa hum normally karte hain question solve, same way we have to do. Share option outstanding is important. Current maturities of long-term borrowings is important. Application money received for allotment due for refund. Ye teen term important hai. Asset side pe just 2 items are fixed asset and current asset. Company wants to buy back 25,000 shares. Company chahti hai. Company ne decide nahi kiya. Company wants to buy back 25,000 equity shares of 10 each on 1st April at rupees 20 per share. Offer price is 20. Buyback of shares is duly authorized by its articles. Articles of Association में लिखा भी है, and necessary resolution has been passed by the company towards this.
payment for buyback of shares will be made by the company out of sufficient bank balance available shown as part of current asset. Upper balance sheet mein current asset hai students 40 lakh. It has sufficient cash bank balance. Kitna hai hame pata nahi, but wo sufficient hai. Jitna hame chahiye utna hai. That is the simple meaning. Comment with your calculations whether buyback of shares by the company is within the provision of Companies Act 2013. तो पहले ऊपर क्या लिखा है students, first line below the balance sheet, company wants to buy back 25,000 shares. Later on they are saying comment based on calculation. That means वो आपको 4 points calculate करने पड़ेंगे, decide करना पड़ेगा कि company का decision 25,000 shares buyback करने का correct है या नहीं है, ठीक है. If yes, pass journal entries towards buyback of shares and prepare balance sheet after buyback. So again students, जो हम वो 4 points calculate करते हैं, sources से start करते हैं. Point number 1, पहला हम लोग हमेशा source लिखते हैं students, so we start with source. सोर्स में क्या आता है, पहला फ्री रिजर्व्स, तो बैलेंस शीट देखो कौन कौन सा फ्री रिजर्व है. रेवेन्यू रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व स्टूडेंट्स. रेवेन्यू रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व. ओके, हाउ मच रेवेन्यू रिजर्व इज गिवन, 15 लाख. 15. ओके, नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखते हैं बट लास्ट में लिखेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो फ्री रिजर्व. पी एन एल, हाउ मच इट इज गिवन पी एन एल, 1,25,000. 125. नेक्स्ट क्या है आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल रिजर्व इज नॉन फ्री, रिवैल्यूशन रिजर्व इज ऑल्सो नॉन फ्री एंड अनपेड डिविडेंड स्टूडेंट्स. और कुछ है नहीं? अब सिक्योरिटीज प्रीमियम, पहला फ्री रिजर्व्स लिखने का, आफ्टर रिकॉर्डिंग फ्री रिजर्व्स फाइनली वी रिकॉर्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम इफ इट इज गिवन इन बैलेंस शीट. सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है स्टूडेंट्स, यस 2,50,000. ये सब का टोटल कर लेंगे एंड विल रिकॉर्ड टू द आउटर कॉलम. 15 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 125. 15 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 1,25,000, इट कम्स टू 18,75,000. तो ये हमारा सोर्स हो गया, पॉइंट नंबर 1 हो गया. इट इज 18,75,000. 1,875. ओके, सो दिस वाज अवर पॉइंट नंबर 1 स्टूडेंट्स. नेक्स्ट कम्स पॉइंट नंबर 2, 25% ऑफ ओन फंड्स. पहले हमें क्या फाइंड करना चाहिए, ओन फंड्स फाइंड करना चाहिए. ओन फंड्स कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, रिजर्व्स, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल. सो बैलेंस शीट देखते हैं, वो तो डेफिनेटली होगा. सी हाउ मच इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप 12,50,000. स्टूडेंट्स बोनस शेयर, बोनस शेयर्स आर ऑल्सो इक्विटी शेयर स्टूडेंट्स. बैलेंस शीट में जस्ट हमको कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट्स उन्होंने अलग से दिया है. बोनस शेयर्स आर अलॉटेड ओनली टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, हमने सीखा ही है. सो बोनस शेयर इज ऑल्सो एन इक्विटी शेयर कैपिटल स्टूडेंट्स. सो 1,00,000 ये भी आ जाएगा. नो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, ये नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ये नहीं आएगा. आई विल एक्सप्लेन वो शेयर ऑप्शन है क्या स्टूडेंट्स. पहले हम अपना जैसा चैप्टर सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चन, वो पूरा सॉल्व कर लेते हैं, पूरा एंटायर सॉल्यूशन, देन उसके बाद आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग. तो ये शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट हमको नहीं लेना है स्टूडेंट्स. फिर उसके बाद जो ऊपर हमने सोर्स में रिजर्व्स लिखे हैं ना स्टूडेंट्स, वो सारे रिजर्व्स आ जाएंगे. रिजर्व्स कितना लिखा था हमने, 18,75,000 लिखा था स्टूडेंट्स ऊपर, ये दिस वन 1,875, उसी को नीचे वापस लिख लेना है 1,875,000. इसका टोटल करेंगे हम लोग तो हमको ओन फंड्स आ जाएगा, विल गेट ओन फंड्स. स्टूडेंट्स टोटल कर लेते हैं, 18,75,000 प्लस 12,50,000 एंड प्लस 1,00,000. सो टोटल इज 32,25,000. 3,225, दिस इज ओन फंड्स, 32,25,000. इसका 25%,
8,06,250, 806,250 outer column, 806,250. ओके, दिस वॉज पॉइंट नंबर टू. देन थर्ड पॉइंट हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ओन फंड्स के बाद वी फाइंड मिनिमम ओन फंड्स. डेट डिवाइड बाई टू. सो देखो बैलेंस शीट में कोई डेट 12% डिबेंचर्स है और एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज दैट्स गिवन ऑन लाइबिलिटी साइड और अनसिक्योर्ड लिखा भी है 18,75,000 एंड 10,00,000 है स्टूडेंट. सो 28,75,000 हो जाएगा दोनों का टोटल, अनसिक्योर्ड और डिबेंचर्स का टोटल 28,75,000 डिवाइड बाई टू. 28,75,000 डिवाइड बाई टू इट कम्स टू 14,37,500. सो टू डिवाइड करने के बाद आंसर होगा 14,37,500. देन व्हाट वी डू, मिनिमम ओन फंड्स मिल गया, देन वी राइट ओन फंड्स माइनस मिनिमम ओन फंड्स. ओन फंड्स लेस मिनिमम ओन फंड्स. स्टूडेंट्स ओन फंड्स मतलब ये टोटल हमने ऑलरेडी फाइंड करके लिखा है 32,25,000 लेस ये 1,437. सॉरी स्टूडेंट्स 1,437,500. ओके, सो 32,25 माइनस 14,37,500 इट इज 17,87,500. सो स्टूडेंट्स 80 आउटर कॉलम में आ जाएगा 17,87,500. ओके, सो हमारा पॉइंट नंबर थ्री हो गया. लास्ट पॉइंट नंबर फोर हम लोग कैलकुलेट करेंगे. पॉइंट नंबर फोर क्या कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स. मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स हाउ वी डू दैट, 25% ऑफ ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल. सुन सर, 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अपॉन नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू पर शेयर. ठीक है, सो 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल, 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है स्टूडेंट्स, देखो बैलेंस शीट में देखो इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 12,50,000 और बोनस शेयर्स भी तो इक्विटी शेयर्स होता है स्टूडेंट्स. थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जस्ट फ्यू सेकेंड्स बैक 13,50,000 सॉरी अपॉन व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू, इट इज 10 नॉट 20 में गलती से. सो नॉमिनल वैल्यू इज 10, सो 25% ऑफ 13,50,000 25% डिवाइड बाई 10. सो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ शेयर्स ये रुपीज में आंसर नहीं है, दिस इज शेयर्स. ठीक है, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स आए ना 33,750 मल्टीप्लाई बाय ऑफर प्राइस. कंपनी डिसाइडेड कंपनी वॉन्ट्स टू बाई बैक शेयर्स एट रुपीज 20, 33,750 मल्टीप्लाई बाई 20, सो इंटू 20 इट इज 6,75,000. सो स्टूडेंट्स मैं आउटर कॉलम में लिख दूंगा 6,75,000. ओके, अभी चारों आंसर को कंपेयर कर लो. लास्ट आंसर इज 6,75, सेकेंड लास्ट इज 17,87,000, सेकेंड आंसर वॉज 8,00,000 समथिंग एंड दिस वॉज 18,75,000, 18,75,000, 8,00,000, 17,00,000. सबसे कम आंसर आपको लास्ट वाला ही दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, है ना, 6,75,000. सो लीस्ट ऑफ द अबाउ फोर, सो लीस्ट ऑफ द अबाउ फोर मतलब स्टूडेंट्स 6,75,000. सो विल राइट दैट, हम लोग ऐसा लिखेंगे. लीस्ट ऑफ 1, 2, 4 विल बी
maximum possible buyback, that is rupees 6,75,000. ओके, और नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से कितना मैक्सिमम? 33,750, बिकॉज 6,75,000 जो आंसर आया इसी के बेस पे आया ना स्टूडेंट्स, 33,750. सो नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से स्टूडेंट्स 33,750 इज द मैक्सिमम लिमिट, 33,750 शेयर्स. अभी बायबैक कितना करना चाहिए, वी वोंट फाइन एक्चुअल स्टूडेंट्स, एक्चुअल कंपनी ने कुछ डिसाइड किया था उससे कंपेयर करना है. अभी हमको कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक हाउ मेनी शेयर्स, 25,000 शेयर्स, और लिमिट कितना आ रहा है, 33,750. So students, now what will happen students, 33,750 is the maximum answer, or company buyback kitna karna chahti hai, 25,000, so it is within the limit, so we'll write company's decision, company's decision to buy back. Kitna shares wo log buy back kar rahe hain, 25,000 shares इज करेक्ट, है ना, क्योंकि वो विट इन द लिमिट है, लिमिट के हिसाब से कंपनी कैन बाई बैक अप टिल 33,750, तो कंपनी 25,000 इजिली बाई बैक कर सकती है. ओके, सो नाउ वी हैव वेरीफाइड द आंसर. अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स, इक्वेशन पहले बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद देन विल रिकॉर्ड द जनरल एंट्रीज. शेयर्स फुल्ली पेड अप है, वहाँ पे लिखा इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इज फुल्ली पेड अप. सो विल स्टार्ट विद द इक्वेशन, फेस वैल्यू इज इक्वल टू फ्रेश इश्यू प्लस फ्री रिजर्व. हाउ मेनी शेयर्स कंपनी डिसाइडेड टू बाई बैक, 25,000. फेस वैल्यू पर शेयर इज 10, सो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड 2,50,000. जस्ट बिलो द बैलेंस शीट एक सेंटेंस है कि कंपनी वॉन्ट्स टू बाई बैक सो एंड सो शेयर्स, इट इज मैंशन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. कंपनी बाई बैक, सॉरी, का पेमेंट फॉर बाई बैक कैन बी मेड आउट ऑफ ह्यूज कैश बैलेंस, कमेंट विथ योर कैलकुलेशन. मतलब फ्रेश इश्यू के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है स्टूडेंट, सो देर इज नो फ्रेश इश्यू. So entire amount will be taken out of free reserves. So which free reserve students, go to the balance sheet. Revenue reserve hai, profit and loss, ye dono free hai. Revenue reserve mein dekho huge balance hai students. So we'll take this from revenue reserve. Theek hai, ye revenue reserve se hum log le lenge. Revenue reserves hai. Okay. Now we start with the entries. No make a call, receive a call, because equity shares are fully paid up. Then next students, no sale of investment, adjustment, कोई sale of investment नहीं दिया है. No fresh issue of shares, जाने दो, fresh issue भी नहीं है students. Okay. Next comes what after fresh issue. Next is premium on buyback. Students below the balance sheet what they said. कंपनी ने डिसाइड किया था या कंपनी वॉन्टेड टू बाई बैक 25,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट रुपीज 20. तो फेस वैल्यू शेयर का कितना है स्टूडेंट्स, 10, बट ऑफर प्राइस 20, दैट मीन्स प्रीमियम ऑन बाय बैक 10 है. कितने शेयर्स आप बाय बैक कर रहे हो, 25,000, सो टोटली यू हैव टू पे अ प्रीमियम ऑफ 2,50,000. कहाँ से पे करेंगे, पहला सिक्योरिटीज प्रीमियम चेक करने का, बैलेंस शीट में है, सी 2,50,000 इज गिवन इन बैलेंस शीट, तो हम लोग ऐसा लिखते थे स्टूडेंट्स, 2,50,000, है ना, कहाँ से आया ये बैलेंस शीट, प्लस निल जीरो, कहाँ से, फ्रेश इश्यू, फ्रेश इश्यू है ही नहीं तो नहीं होगा. सो दैट मीन्स अवेलेबल बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम 2,50,000, इट्स अ वर्किंग नोट. सो अवेलेबल 250 और पे भी 250 करना है, तो ठीक है, अच्छी बात है, इजीली पे हो सकता है. सो जनरल एंट्री विल बी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट, जितना पे करना है हमको 2,50,000, बिकॉज उतना ही एग्जैक्ट अवेलेबल है, सो 2,50,000. ओके, दिस वॉज फॉर प्रीमियम ऑन बाय बैक. नेक्स्ट कम्स व्हाट स्टूडेंट्स, अमाउंट पेएबल, जनरल एंट्री फॉर दैट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन
बायबैक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। कहाँ से लेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, सो 2,50,000 है वो। प्रीमियम वन बायबैक फ्रॉम द प्रीवियस जर्नल एंट्री विच इज ऑल्सो 2,50,000, सो टोटल अमाउंट इज 5,00,000। रिस्पॉन्स अमाउंट पेएबल, नेक्स्ट कम्स अमाउंट पेड। जर्नल एंट्री विल बी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट स्टूडेंट्स फ्रॉम द प्रीवियस एंट्री 5,00,000, नेक्स्ट कम्स ट्रांसफर टू CRR। हमने देखो इक्वेशन में कहाँ से लिया था, 2,50,000 फ्रॉम रेवेन्यू रिजर्व लिया था, देर वॉज नो फ्रेश इश्यू, सो रेवेन्यू रिजर्व को डेबिट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। वी हैव यूटिलाइज 2,50,000 दैट इक्वेशन फ्रॉम रेवेन्यू रिजर्व, सो यहाँ पे 2,50,000। सो दीज वर द एंट्रीज। एंट्रीज इजी है, खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, वो ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग है ना। पहले तो वो ऑप्शंस होता क्या है स्टूडेंट्स, थियरी में स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिकली उस पर कुछ पूछेगा नहीं, खाली यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था दैट ऑप्शन जो है ना, शेयर्स ऑप्शन मैंने वो कंसिडर नहीं किया इन द अबाउ कैलकुलेशन, जो चार पॉइंट्स थे वहाँ पे नहीं कंसिडर किया। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग इज ट्रेडेड एज अ करंट लाइबिलिटी स्टूडेंट्स, या तो और इट इज कंसिडर एज अ रिजर्व स्टूडेंट्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इतना हमारे डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है, बस हमको इतना याद रखना है ना, इन केस ऑफ बायबैक इफ देखिए बस शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, तो ऊपर जो मैंने कैलकुलेशन किया है ना स्टूडेंट, तो वहाँ पे मैंने कहीं भी शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग नहीं लिया है। शेयर ऑप्शन होता क्या, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टूडेंट्स, आपके रेफरेंस के लिए मैं लिख रहा हूँ अगेन स्टूडेंट्स, आपको इतना डिटेल्स में नहीं जानना है फिर भी मैं लिख देता हूँ वहाँ पे स्टूडेंट। इट इज इसको कहते हैं ESOP, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, एक मिनट, और इट इज ऑल्सो नोन एज स्टूडेंट्स स्वेट इक्विटी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और स्वेट इक्विटी, एक तरह का स्टूडेंट्स ना एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए। व्हाट द कंपनी डज, ये एक्चुअली स्टार्टअप्स में ज्यादा होता है स्टूडेंट्स, व्हाट दे डू, अभी स्टार्टअप में फाइनेंस का इश्यू होता है स्टूडेंट्स, बट जो लोगों ने वो कंपनी फॉर्म किया, द प्रमोटर्स और द पर्सन हु हैज दैट बिजनेस आइडिया, जिसके पास वो बिजनेस आइडिया था, जिसने स्टार्टअप स्टूडेंट्स स्टार्ट किया स्टूडेंट्स ने सेटअप किया उसने बिजनेस, वो इतना कॉन्फिडेंट है ना कि स्टूडेंट्स की ही नोज दैट के फ्यूचर में हम लोग कामयाब होंगे, ओके ओके, ही हैज दैट कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स, ओके, कि अभी थोड़ी तकलीफ है, सर्टन सैक्रीफाइसेस वी हैव टू मेक टुडे, बट फ्यूचर बिलोंग्स टू अस, वो उनका ऐसा दिल में दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है। सो इन दैट केस वो प्रमोटर्स जो होते हैं जिन्होंने ये स्टार्ट किया है ना, जब वो एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं ना, सो दे क्लियरली स्पीक टू देम, एकदम फ्रेंकली उनको कह देते हैं कि भाई देखो अभी तो हम लोग का नया बिजनेस है, सो आपका जो सर्विस आप हमको प्रोवाइड करोगे ऑब्वियसली वो बहुत वैल्यूएबल है, बट वी कांट पे यू दैट मच सैलरी राइट नाउ, अभी फाइनेंस का इश्यू है, नया बिजनेस है, ओके, अभी हमको यहाँ वहाँ से सोर्स फाइनेंस अरेंज करना है, ओके, जब हमारा आइडिया सक्सेस हो जाएगा, ओके, सो राइट नाउ वी कांट पे यू दैट मच सैलरी, तो अभी क्या करो आप लोग हमसे ना एक शेयर्स ऑप्शन ले लो। ऑप्शन मतलब क्या स्टूडेंट्स ना, एक तरह का उनको ऑप्शन देना मतलब क्या स्टूडेंट, जैसा हम लोग प्लेन सिंपल लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं ना, मेरे पास ऑप्शन था, सो ऑप्शन का मतलब क्या, व्हेन यू हैव मोर देन वन और टू वेज टू गेट दोज थिंग्स, ठीक है, एक से ज्यादा रास्ते हों आपके पास, तो ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे, व्हाट द कंपनी सेज टू देम, ठीक है, आप हमारे पास सैलरी देने के लिए इतना पैसा तो नहीं, विल पे यू सैलरी बट यू वी कांट पे दैट मार्केट रेट, आप किसी और कंपनी को ज्वाइन करोगे शायद आपको वहाँ पे सैलरी ज़्यादा मिले, हमारे पास राइट नाउ वी कांट पे यू सो मच सैलरी, सो व्हाट वी आर गिविंग स्वेट इक्विटी और ESOP, व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर, आज ये हमसे शेयर्स ले लो, वो एम्प्लॉयज़ को वो शेयर्स दे रहे हैं,
एंड अगर कल को ये बिजनेस सक्सेस होता है तो ऑब्वियसली बिजनेस का वैल्यू बढ़ेगा. बिजनेस का वैल्यू बढ़ेगा मीन्स इन शॉर्ट आई एम टॉकिंग अबाउट शेयर्स का वैल्यू बढ़ेगा. जब शेयर्स का वैल्यू बढ़ेगा तो आप शेयर्स बेच के पैसा रख लेना. एज सिंपल इज दैट. मैंने एकदम सिंपल वर्ड्स में आपको बता दिया. तो इट्स एक्चुअली काइंड ऑफ मोटिवेशन. ये स्टार्टअप भी दे सकती है जो कंपनी ने नया बिजनेस फॉर्म किया, या ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है जिसका, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयज को अनक्रेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कंपनी कैन गिव देम शेयर्स. और उनको क्या कहेंगे, शेयर्स कंपनी का ही है, आप अपने पास रखो. ओके, कल को जब भाव बढ़ेगा शेयर का तो आप मार्केट में बेचना, यू कैन कीप दैट मनी स्टूडेंट्स. ओके, सो कंपनी उनको क्या दे रही है एक्चुअली स्टूडेंट्स, शेयर्स नहीं दे रही, उनको एक तरह से ऑप्शन दे रही है. ऑप्शन, ओके, ऑप्शन क्या है कि कल अगर मार्केट में अगर शेयर्स का प्राइस इंक्रीज हुआ, सो एम्प्लॉई वो शेयर्स बेचेगा और वो कमाएगा स्टूडेंट्स. और शेयर का प्राइस बढ़ा नहीं तो वो बेचेगा ही नहीं, वो क्यों लेगा कंपनी से फिर वो शेयर. ऑप्शन क्या है, व्हाट द कंपनी सेज, ये शेयर हमसे आप ले लेना, जब मार्केट में प्राइस बढ़ जाएगा आप बेच देना. अगर मार्केट में प्राइस बढ़ा ही नहीं तो वो एम्प्लॉई क्यों लेगा वो शेयर्स. प्राइस उल्टा कम हो गया तो कंपनी से वो ज्यादा मिलेगा, मार्केट में कम में बेचेगा तो एम्प्लॉई को तो नुकसान होगा. सो ऑप्शन इज व्हाट ना स्टूडेंट्स, कि राइट नाउ कभी उनके हाथ कंपनी अभी उनके हाथ में शेयर्स नहीं देगी. कंपनी ने उनसे प्रॉमिस कर दिया है कि ठीक है टुडे, सपोज जस्ट एन एग्जांपल, कि हम लोग से आप 10 रुपीज में शेयर ले लो, बट कल मार्केट में अगर प्राइस 30 रुपीज हो गया तो एम्प्लॉय क्या करेगा. 10 अभी तक उसने पे नहीं किया है कंपनी को, कंपनी ने उसको प्रॉमिस कर दिया है कि आप हमसे 10 में शेयर ले लेना. सपोज टुमारो प्राइस इज 30, तो एम्प्लॉय भाग के कंपनी के ऑफिस में जाएगा जो जहाँ पे वो काम करता है, कंपनी को कितना पे कर देगा, 10 पे कर देगा. कंपनी से 10 में खरीदा, मार्केट में आके 30 में बेच देगा, तो एम्प्लॉय विल गेन हाउ मच, 20. कंपनी ने उसको 10 में देने का वादा किया है बट मार्केट में प्राइस 5 हो गया, तो क्या एम्प्लॉय जाके कंपनी से खरीदेगा 10 में शेयर्स. नहीं स्टूडेंट्स, को मालूम है कि खरीदूंगा 10 में, आज प्राइस कितना चल रहा है 5, तो उल्टा 5 का नुकसान हो जाएगा. तो ऑप्शन यहाँ पे स्टैंड्स फॉर व्हाट, इट इज ऑनली अ राइट, इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन. मतलब एम्प्लॉय चाहे तो वो लेगा कंपनी से शेयर, अगर उसको ऐसा लग गया नहीं भाई नुकसान होने वाला है ना, तो आई वोंट टेक अप दैट शेयर्स. तो एम्प्लॉय के पास राइट है बट उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जबरदस्ती कंपनी उसके साथ नहीं कर सकती. आगे सुन में, दैट इज नोन एज व्हाट, ईसॉप. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बस ऐसा शॉर्ट में बता दिया है, प्रैक्टिकल पर्पज के लिए आप खाली याद रखो, प्रैक्टिकल पर्पज के लिए. ऊपर कैलकुलेशन में देखो मैंने ईसॉप कहीं भी नहीं लिया, बिकॉज व्हाट आई सेड, अभी कंपनी ने उनको शेयर्स दिया नहीं है, वो डिपेंड करता है मार्केट प्राइस पे. अगर मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो डेफिनेटली एम्प्लॉई जो है ना कंपनी से शेयर्स खरीद लेगा. अगर मार्केट प्राइस कम हो गया ना तो एम्प्लॉई कभी भी ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा ही नहीं, वो कभी भी कंपनी से जाके खरीदेगा ही नहीं. जब वो नहीं खरीदेगा तो क्या होगा, वो ऑप्शन कैंसिल हो जाता है. उतना डिटेल्स में हम लोग नहीं जाते हैं, बस मैंने आपको समझा दिया व्हाट इज एक्चुअली, इट इज अ राइट. मतलब कंपनी ने जो उसको शेयर बेचा नहीं है, कंपनी ने उसको प्रॉमिस कर दिया है कि आप हमसे कभी भी आना 10 रुपये में खरीद लेना आके. तो वो कब खरीदेगा, ऑब्वियसली स्टूडेंट, जब मार्केट में प्राइस 10 रुपए से ज्यादा हो जाएगा. सपोज 30 हो गया तो कंपनी के पास जाके 10 में खरीदेगा, मार्केट में 30 में बेच के 20 कमा लेगा. हाँ, मार्केट में प्राइस 5 हो गया तो एम्प्लॉय कभी नहीं खरीदेगा. एम्प्लॉय क्या, आप भी नहीं खरीदोगे ऐसा शेयर. ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट्स. सो इट इज ऑनली अ राइट, कंपनी जबरदस्ती नहीं कर सकती, कंपनी ने उनको एक राइट दिया. इफ दे वांट टू एक्सरसाइज, दे कैन एक्सरसाइज द राइट. अगर उनको ऐसा लगता है नहीं नुकसान होगा, सो दे वोंट एक्सरसाइज दैट राइट. सो इट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन, कंपलसरी नहीं है शेयर. दिस इज नोन एज व्हाट, स्वेट इक्विटी, ईसॉप. आपके लिए सिर्फ इतना याद रखो जो मैंने ऊपर बताया, कैलकुलेशन उसको कंसिडर नहीं करते. ऐसे एक और टर्म था स्टूडेंट, दो टर्म और, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मिला. देखो ऊपर मैंने जब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कैलकुलेट किया था ना स्टूडेंट्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स देखो, पॉइंट नंबर थ्री, ओन फंड्स डेप्थ डिवाइड बाय 2, तो मैंने ये 16,50,000 नहीं लिया, मैंने सिर्फ 18,75,000 एंड क्या लिया स्टूडेंट्स, मैंने 18,75,000 एंड 10,00,000, सो 28,75,000 दो लिया मैंने, 12% डिबेंचर्स और अनसिक्योर्ड लोन. करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लिखा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स तो लेना चाहिए ना, बट वहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, करंट मैच्योरिटी. तो करंट मैच्योरिटी का मतलब स्टूडेंट्स, एक साल के अंदर आपको उसको पे करना है. करंट मैच्योरिटी नाउ ये इंपॉर्टेंट है, करंट मैच्योरिटी मीन्स विद इन 12 मंथ्स दिस लोन, जो भी ये लॉन्ग टर्म बोरिंग आपको दिया, दिस लोन हैज टू बी रीपेड.
अब वो विद इन 12 months, मतलब 6 महीना भी हो सकता है, 10 भी, 11 भी, 1 महीना, एग्जैक्टली आई डोंट नो. मैं आपको खाली करंट मेच्योरिटी का मतलब बता रहा हूँ, विद इन 12 months दिस हैज़ टू बी रीपेड. और जब स्टूडेंट्स लोन विद इन 12 months हो जाता है तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, फिर वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नहीं रहा. तो अगर वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नहीं है, इसके लिए मैंने उसको डेप्थ में नहीं लिखा. आगे सुन में, इसके लिए डेप्थ में मैंने वो 16,50,000 नहीं लिया. आगे सुन में, सो करंट मेच्योरिटी लिखा है, दैट मीन्स यू हैव टू पे आज, कल, परसों, 1 महीना 2 महीने में आपको उसको रीपे करना है. सो ऑल दो वहाँ पे टर्म लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, फिर वो लॉन्ग टर्म नहीं रहा क्योंकि आपको जल्द से जल्द पे करना है विद इन 12 months, सो इट्स नॉट लॉन्ग टर्म. तो अगर वो लॉन्ग टर्म नहीं है तो ऊपर वो कैलकुलेशन में नहीं आएगा. तो करंट मेच्योरिटी इसके लिए मैंने इग्नोर किया. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट ड्यू फॉर रीफंड. स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन मनी ना किसका है, ये शेयर्स का है, बट स्टूडेंट शेयर्स अलॉट थोड़ी हुआ. Received for allotment due for refund. Students, आपको refund करना है ना वो, तो it's not part of share capital. इसके लिए मैंने इसको share capital में consider नहीं किया था. तो ESOP में यहाँ लिख देता हूँ, जो हमको stock option दिया था, ESOP and क्या था students, वो application money not considered. बस इसमें ये important point है, not considered as शेयर कैपिटल. और वो करंट मैच्योरिटीज इज नॉट कंसिडर्ड एज डेट. सो प्रैक्टिकल पर्पज के लिए आपको जस्ट ये दो सेंटेंस याद रखने. ये तो मैंने आपको मीनिंग बताया, ई स्वॉप का मीनिंग क्या होता है, करंट मेच्योरिटी का मीनिंग बता दिया कि 12 months के अंदर रीपे करना है, जल्द से जल्द पे करना है, सो डजन रिमेन्स लॉन्ग टर्म बोरिंग. सो अगर वो लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं है तो वो डेप्थ नहीं है. और ई स्वॉप एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल नहीं होता, ठीक है. आगे सोर में स्टूडेंट्स, सो दैट इज द रीजन ऊपर कैलकुलेशन में मैंने कंसिडर नहीं किया था. हाँ, नाउ स्टूडेंट्स बैलेंस शीट आप लोग बना लेना, सिंपल है. अब शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग लिखना कहाँ पे, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना स्टूडेंट्स, तो प्लीज आपको मैं बता देता हूँ शेयर ऑप्शन कहाँ लिखना व्हेन यू ड्रॉ द बैलेंस शीट. शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ऐसा ही टर्म दिया ना, दिस विल गो टू रिजर्व्स एंड सरप्लस. आप इसको प्लीज रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिख लेना, ठीक है. और वो करंट मेच्योरिटी है ना, वो करंट मेच्योरिटी कहां लिखेंगे, विद इन 12 months हो गया, मतलब वो करंट लाइबिलिटी हो गया. फिर करंट मेच्योरिटीज आपको जो दिया है ना ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, वो कहां पे जाएगा स्टूडेंट, आप उसको करंट लाइबिलिटीज में लिख लेना. अदर करंट लाइबिलिटीज में लिख लेना, ओके. सेम वे एप्लीकेशन मनी है ना, जब आप नया बैलेंस शीट बनाओगे वो एप्लीकेशन मनी सेम अदर करंट लाइबिलिटी में आप लिख लेना, ठीक है. सो प्रैक्टिकल पर्पज के लिए आपको क्या रखना है, ईसॉप और एप्लीकेशन मनी इट्स नॉट काउंटेड एज पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, यहाँ मैंने लिख दिया इज नॉट कंसिडर्ड एज शेयर कैपिटल. और करंट मेच्योरिटी इज नॉट कंसिडर्ड एज डेप्थ, ओके. और जब नया बैलेंस शीट बनाओगे तो शेयर ऑप्शन आपका बच जाएगा, कहाँ लिखना, रिजर्व एंड सरप्लस. और करंट मेच्योरिटी और एप्लीकेशन मनी दोनों कहाँ लिख देना, करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी में, ओके स्टूडेंट्स. और ऊपर एंट्रीज तो हम जैसा नॉर्मली करते थे सारा वर्किंग्स, वो तो सेम था. तो क्वेश्चन तो स्टार्ट तो ऊपर से हुआ था, ये मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था सोर्स, ओके. ऑल दीज कैल, यहाँ इक्विटी शेयर में हमने ईसॉप नहीं लिया, एप्लीकेशन मनी नहीं लिया, डेप्ट में हमने वो करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नहीं लिया, ठीक है. नीचे मैंने नोट लिख दिया. फॉलोइंग हैज द कंपनी हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एज ऑन 31st March. स्टूडेंट्स रुपीज इन करोर्स दिया है. इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10 each 300 crore. Under reserves, we have general reserve, securities premium, profit and loss, export reserve, statutory reserve, likha hai students, and loan funds. Loan funds matlab debt hoga, long term borrowings hoga. On recommendation of board of directors, shareholders have approved wide special resolution at their meeting on 10th April. A proposal to buy back maximum permissible equity shares considering huge cash surplus following sale of one of company's division. ठीक है, रेजोल्यूशन पास कर दिया गया है कि कंपनी मस्ट बाय बैक मैक्सिमम परमिसिबल इक्विटी शेयर. सो मैक्सिमम परमिसिबल बाय बैक करना है तो यू हैव नॉट स्पेसिफाइड द नंबर, सो वी हैव टू फाइंड दैट नंबर स्टूडेंट्स. और उसका पेमेंट कहाँ से होगा, फ्रॉम ह्यूज कैश सरप्लस फॉलोइंग सेल ऑफ वन ऑफ कंपनीज डिविजन. कंपनी के बहुत सारे बिजनेस हैं स्टूडेंट्स,
ओके, सपोज रिटेल का भी है, होलसेल का भी है, तो वन ऑफ द कंपनीज डिविजन मतलब एक कंपनी का कोई ब्रांड, सॉरी, देर इज़ वन कंपनीज डिविजन और देर आर मैनी बिजनेसेस आउट ऑफ दोज वन बिजनेस हैज़ बीन सोल्ड बाई द कंपनी. एक बिजनेस बेच दिया, उससे कुछ पैसा आया है, फ्रॉम दैट मनी दे कैन कैरी आउट बाई बैक. मार्केट प्राइस वॉज अराउंड ₹25 एंड इन ऑर्डर टू इंड्यूस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू ऑफर देयर शेयर्स फॉर बाई बैक, इट वॉज डिसाइडेड टू ऑफर अ प्राइस ऑफ 20% अबव मार्केट प्राइस. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मार्केट प्राइस 25 है, बट शेयर होल्डर को अनकरेज करना है आपको कि प्लीज़ यू हैव टू सेल योर शेयर्स, मतलब कंपनी बाई बैक करनी चाहती है तो शेयर होल्डर को बेचना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा. सरेंडर इज नॉट द राइट टर्म, शेयर होल्डर हैज़ टू गिव अप हिज शेयर्स टू द कंपनी, कंपनी बाई बैक करना चाहती है. करंट मार्केट प्राइस इज 25 और द कंपनी सेज ठीक है हम आपको मार्केट प्राइस से 20% ज़्यादा देंगे, सो ऑफर प्राइस विल बी हाउ मच, 25 प्लस 20% स्टूडेंट्स, इंक्रीज इट बाई 20%, सो स्टूडेंट्स हाउ मच इट विल बी, 25 प्लस 20%, सो इट कम्स टू ₹30, सो ऑफर प्राइस इज 30 स्टूडेंट्स, ध्यान रखना. ओके, नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, एडवाइज द कंपनी ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक. ओके, सो दे आर आस्किंग कि वो कैलकुलेट करो हाउ मनी शेयर्स टू बी बॉट बैक, रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज फॉर द सेम एज्यूमिंग दैट बाई बैक हैज़ बीन कम्प्लीटेड इन फुल विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स. और कंपनी ने ठीक है आप डिसाइड करो, एंट्री पास कर लो. अच्छा, पॉइंट नंबर टू, राइट नाउ आई एम नॉट रीडिंग, उसमें सेकेंड पॉइंट भी है, वो अलग से बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इतने पार्ट पे खाली ध्यान देते हैं हम लोग. स्टूडेंट्स व्हाट दे आस्क, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक, तो स्टूडेंट्स हमारा वो चार लिमिट हम लोग करते हैं ना, सोर्स 25% ऑफ ओन फंड्स, मिनिमम ओन फंड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, वो कैलकुलेशन उन्होंने पूछा है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, पहले सोर्स से स्टार्ट करते हैं. सो विल स्टार्ट विथ सोर्स. सोर्स में क्या क्या लिखा जाता है स्टूडेंट्स, ऑलवेज फर्स्ट राइट ऑल फ्री रिजर्व स्टूडेंट्स, पहले हमेशा क्या लिखना, सारे फ्री रिजर्व लिखना. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आपका वापस से वो ट्रायल बैलेंस, छोटा सा बैलेंस शीट, इट्स एक्चुअली नॉट अ बैलेंस शीट, पार्ट ऑफ बैलेंस शीट यू कैन से, इट्स एक्सट्रैक्ट कली, जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है, सो जनरल रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व स्टूडेंट्स, सो विल स्टार्ट विथ जनरल रिजर्व. हाउ मच जनरल रिजर्व दे हैव गिवन, 270 करोड़ स्टूडेंट्स, मैं ऊपर टॉप में लिख देता हूँ रुपीज इन करोड़, सो दैट वी कैन इग्नोर द डिजिट्स, वो 0 0 हम लोग इग्नोर कर सकते हैं. ओके, रुपीज इन करोड़ हाउ मच दे हैव गिवन, जनरल रिजर्व 270, नहीं तो आपको आगे जीरोज भी सब लिखने पड़ जाएंगे, सो जनरल रिजर्व. नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते हैं बट वो लास्ट में लिखते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस फॉर अस, प्रॉफिट एंड लॉस हमको कितना दिया है, 50 करोड़, सो आई एम राइटिंग जस्ट 50 बिकॉज टॉप पे मैंने लिख दिया अमाउंट कॉलम में रुपीज इन करोड़. देन स्टूडेंट सिक्योरिटीज प्रीमियम, हम सिक्योरिटीज प्रीमियम गिवन 100 करोड़, सो विल रिकॉर्ड 100 ओवर ईयर. ओके, एक एक्सपोर्ट रिजर्व भी है एंड स्टैचुटरी रिजर्व, इट इज नॉन डिविजिबल स्टूडेंट्स. यहाँ पे हम लोग सिर्फ कौन से रिजर्व लिखते हैं, फ्री रिजर्व है ना, नॉन फ्री रिजर्व नहीं लिखते हैं, सो दैट एक्सपोर्ट रिजर्व ना स्टैचुटरी रिजर्व. द टर्म स्टैचुटरी का मतलब क्या होता है, बिकॉज ऑफ सम एक्ट अंडर सम लॉ दैट रिजर्व हैज़ टू बी मेंटेन, किसी कानून की वजह से आपको वो रिजर्व रखना है, दैट इज़ अ सिंपल मीनिंग स्टैचुटरी रिजर्व का मीनिंग. इट इज़ नॉन फ्री, तो स्टूडेंट्स उसको जाने दो, वो नॉन फ्री है तो उसको रहने दो. अभी इसका टोटल कर लो, 270 प्लस 50 विल बी 320, 320 प्लस 100 विल बी सॉरी 420 हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, 25% ऑफ ओन फंड्स, सो विल स्टार्ट पॉइंट नंबर टू, 25% ऑफ ओन फंड्स, हाउ वी कैलकुलेट, उसमें पहले क्या लिखा जाता है स्टूडेंट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, हाउ मच इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन इन बैलेंस शीट, इट इज 300 करोड़ स्टूडेंट्स, तो आई एम राइटिंग जस्ट 300 बिकॉज द टॉप हमने ऑलरेडी लिख दिया रुपीज इन करोड़,
सो दैट वी कैन इग्नोर जीरोज, नहीं तो आगे आपको और जीरो लिखने पड़ेंगे स्टूडेंट्स. इक्विटी शेयर कैपिटल, नेक्स्ट वी राइट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. बट देखो स्टूडेंट्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वहाँ पे नहीं दिया, फॉरगेट इट. देन ऊपर जो हमने सोर्स में रिजर्व्स लिखे ना, वो सारे रिजर्व्स यहाँ पे हम वापस लिखते हैं. रिजर्व्स वॉज 420, सो टोटल टोटल करना है फिर हमको. टोटल कम्स टू 720. दिस इज अवर ओन फंड्स, ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ इसका 25%, सो 720 करोड़ है स्टूडेंट्स. सो 720 मल्टीप्लाई बाय 25%, सो इट कम्स टू 180. सो आउटर कॉलम जो हमारा सेकेंड कॉलम है अमाउंट का, ईयर विल रिकॉर्ड 180. ओके, थर्ड हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, मिनिमम ओन फंड्स. हाउ वी डू दैट, पहला डेप्थ देखते हैं हम लोग. डेप्थ डिवाइड बाय टू. डेप्थ देखो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, लोन फंड्स दिया 800 करोड़ स्टूडेंट्स. सो 800 अपॉन टू विल बी 400. यस, देन व्हाट वी डू, ओन फंड्स माइनस, शॉर्ट में मैं मिनिमम ऐसा लिख रहा हूँ, मिनिमम ओन फंड्स. स्टूडेंट्स ओन फंड्स मतलब स्टूडेंट्स ये हमने 720 करोड़ फाइन करके रखा है. सो दैट 720 माइनस मिनिमम ओन फंड्स 400 अभी हमने फाइन किया. सो आउटर कॉलम 720 माइनस 400 विल बी 320. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स फिर क्या होता है, फोर्थ नंबर, फोर्थ इज मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है. सो वी स्टार्ट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, ये कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स. 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, अपॉन फेस वैल्यू पर शेयर, अपॉन फेस वैल्यू पर शेयर. तो स्टूडेंट्स रेफर बैलेंस शीट, वहां पे कितना है, 300 करोड़ उन्होंने कहा है. सो 25% ऑफ 300 करोड़ डिवाइड बाय व्हाट इज द फेस वैल्यू पर शेयर, इट इज 10. सो स्टूडेंट्स 300 करोड़ है, ध्यान रखना 300. थ्री हंड्रेड इंटू ट्वेंटी फाइव इट कम्स टू 75 स्टूडेंट्स, मतलब 75 करोड़ होगा स्टूडेंट्स. दिस आई हैव रिकॉर्डेड जस्ट थे ना, तो 75 करोड़ डिवाइड बाई 10 करेंगे तो विल गेट 7.5 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स, 7.5 करोड़. आई एम राइटिंग 7.5 करोड़, इट इज नॉट रुपीज, इट इज नंबर ऑफ शेयर स्टूडेंट्स. फिर ये 7.5 जो नंबर ऑफ शेयर्स आया, इसको मल्टीप्लाई बाय हमारा ऑफर प्राइस. मार्केट प्राइस वाज अराउंड 25%, बट इन ऑर्डर टू इंड्यूस द शेयर होल्डर्स, व्हाट द कंपनी डिसाइडेड कि हम मार्केट प्राइस में उनको एडिशनल 20% अबव देंगे. सो 25 में ऐड 20%, सो 25 प्लस 20% कैन यूज द कैलसी, सो इट बिकम्स 30. सो स्टूडेंट्स ऑफर प्राइस इज 30, तो 7.5 करोड़ है स्टूडेंट्स. सो 7.5 इंटू 30, सो इट कम्स टू 225. अमाउंट के हमारे दो कॉलम्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, सो आउटर कॉलम आई एम रिकॉर्डिंग दिस कम्स टू 225. ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ लीस्ट ऑफ द, फिर ऐसा लिखते हैं हम लोग, लीस्ट ऑफ 124 इज मैक्सिमम
पॉसिबल बाय बैक. आंसर 1 to 4 को कंपेयर करना है स्टूडेंट्स. ओके सो 1 to 4 पहला शीट में देख लेते हैं. ओके हियर वी हैड 420, 180, 320 है ना, 420, 180, 320. एंड स्टूडेंट्स लास्ट आंसर अभी हमको कितना आया था, इट वॉज 225. सो 180 इज द लोवेस्ट, 180 इज द लोवेस्ट. सो लीस्ट ऑफ द अबव फोर विल बी 180 स्टूडेंट्स. ओके सो दैट इज सॉरी दैट इज रुपीज 180 crores. ओके देन वी राइट एक्चुअल बाय बैक इज इक्वल टू वो लीस्ट ऑफ 124 जो हमको आंसर आया, लीस्ट ऑफ 124 है ना, जो अभी 180 मैंने लिखा, 180 करो अपॉन ऑफर प्राइस. सो स्टूडेंट्स 180 है ये एंड ऑफर प्राइस इज 30, 25 + 20% हमने किया था 30. सो 180 करोड़ डिवाइड बाय 30 करेंगे ना स्टूडेंट्स, सो यू गेट 6 करोड़. सो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक विल बी 6 करोड़, एक्चुअल बाय बैक विल बी 6 करोड़. स्टूडेंट्स ये नंबर आए आपको, रुपीज़ नहीं है, ये एक्चुअल बाय बैक है ना, ये आपको मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ. दिस गिव्स अस द आंसर इन नंबर ऑफ शेयर्स नॉट रुपीज. हाँ तो 6 करोड़ जो आपको आंसर आया ये नंबर ऑफ शेयर्स है. सो वंस अगेन स्टूडेंट्स पहला 3 आंसर स्टूडेंट्स ये था 240, 180, 320. ओके तो यहाँ पे तो 180, वी कंपेयर ऑल द 4 आंसर्स, ये शीट पे तो 180 लेस है ना, और लास्ट वाली शीट पे स्टूडेंट्स सेकेंड वाली शीट पे 225, तो 180 लेस है. सो वॉट आई डिड, लीस्ट ऑफ 124 इज मैक्सिमम पॉसिबल बाय बैक, दैट इज 180 करोड़. एक्चुअल बाय बैक कितना होगा, हाउ टू फाइंड दैट, लीस्ट ऑफ 124 विच इज 180 करोड़, यहाँ हमने फाइंड किया 180 करोड़. ओके वो 180 करोड़ को डिवाइड बाय ऑफर प्राइस विच इज 30, सो वी गॉट 6 करोड़ नंबर ऑफ शेयर. स्टूडेंट ध्यान रखना मैक्सिमम शेयर्स हमको 7.5 करोड़ आया पॉइंट नंबर 4 में. स्टूडेंट दिस वॉज अवर पॉइंट नंबर 4, ठीक है, दिस वॉज पॉइंट नंबर 4 था हमारा, 7.5 करोड़ वो मैक्सिमम लिमिट है, एक्चुअल आंसर नहीं है. सो एक्चुअल हमें मिल गया, ये हमारा एक्चुअल आंसर है 6 करोड़ स्टूडेंट. सो नाउ वी कैन स्टार्ट विद जनरल एंट्रीज. फिर उन्होंने जनरल एंट्री पूछा है स्टूडेंट. फॉर जनरल एंट्री वी ऑलवेज फर्स्ट ड्रॉ द इक्वेशन फेस वैल्यू इज इक्वल टू प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू प्लस फ्री रिजर्व. कितने शेयर्स हम लोग बाई बैक करें, 6 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स. सो स्टूडेंट 6 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाई फेस वैल्यू इज 10, सो अमाउंट इन करोड़ विल बी 60 करोड़. वो 60 करोड़ है स्टूडेंट्स, ठीक है. देर इज नो फ्रेश इश्यू, वी हैव रेड द एंटायर क्वेश्चन. बिलो दैट छोटा सा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, उन्होंने कहा था ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी पास ए रेजोल्यूशन, ऐसा करके लिखा था. पेमेंट विल बी मेड आउट ऑफ ह्यूज कैश सरप्लस, मार्केट प्राइस दिया है एंड नथिंग एल्स. सो देर इज नो फ्रेश इश्यू स्टूडेंट्स नॉट गिवन. सो हमको सारा का सारा अमाउंट कहाँ से लेना पड़ेगा, फ्री रिजर्व से. विच फ्री रिजर्व स्टूडेंट, जनरल रिजर्व है ना, देखो वहाँ पे आपको दिया है जनरल रिजर्व, बेटर जनरल रिजर्व, उसमें ह्यूज बैलेंस है 270 करोड़ है. तो हम लोग बेटर क्या करेंगे स्टूडेंट, जनरल रिजर्व से ले लेंगे. ओके सो नाउ वी स्टार्ट विद जनरल एंट्री स्टूडेंट्स. ओके एंट्री से स्टार्ट करते हैं. शेयर्स पार्टली पेड अप है क्या फुल्ली पेड अप है, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, तो फुल्ली पेड अप हुआ स्टूडेंट्स वो. ओके देन आफ्टर दैट सो वी डोंट रिक्वायर मेक अ कॉल रिसीव अ कॉल, भूल जाओ उसको. नेक्स्ट कम्स व्हाट स्टूडेंट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. स्टूडेंट्स अगेन एडजस्टमेंट देख लो, कोई सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, वो एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो देर कांट बी एनी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, भूल जाओ उसको स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्या है देन आफ्टर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इश्यू. एनी फ्रेश इश्यू गिवन स्टूडेंट्स, फ्रेश इश्यू नहीं स्टूडेंट्स, हमने अभी इक्वेशन बनाया था एंड आई एक्सप्लेन देर इज नो फ्रेश इश्यू, ठीक है. देन कम्स व्हाट, प्रीमियम ऑन बाय बैक. देखो स्टूडेंट्स ऑफर प्राइस हमने कैलकुलेट किया था 30, बट फेस वैल्यू कितना है शेयर्स का, फेस वैल्यू इज रुपीज 10, कंपनी इज ऑफरिंग 30, सो दैट मीन्स प्रीमियम ऑन बाय बैक विल बी 20, एंड हाउ मेनी शेयर्स यू आर बाइंग बैक, 6 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स. तो स्टूडेंट्स प्रीमियम कितना हो जाएगा, 120 करोड़. ओके ये 6 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हमने स्टूडेंट्स ये शीट में हमने फाइंड किया था.
ये 6 करोड़ है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, और इक्वेशन में लिखा भी था 6 करोड़ शेयर्स टू बी बॉट बैक स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 6 करोड़ शेयर्स आप बाय बैक कर रहे हैं तो ठीक है। एंड हाउ मच द प्रीमियम यू हैव टू पे पर शेयर, 20 रुपीज़, 10 का फेस वैल्यू, ऑफर प्राइस 30, सो 20 रुपीज़ इज प्रीमियम, सो 20 × 6 इज 120 करोड़। प्रीमियम कहाँ से पे किया जाता है, हमेशा ऑलवेज ट्राई टू यूटिलाइज सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंस शीट में कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम है स्टूडेंट्स 100, दिस वी गेट फ्रॉम बैलेंस शीट। फिर दूसरा हम कहाँ देखते हैं, फ्रेश इश्यू देखते हैं, फ्रेश इश्यू में कोई आया आपको प्रीमियम, नहीं आया स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन में फ्रेश इश्यू ही नहीं था। सो सिन देर इज नो फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, हाउ देर कैन बी एनी प्रीमियम ऑन फ्रेश इश्यू। तो स्टूडेंट्स ये जर्नल एंट्री से देखते हैं, कहाँ से देखते हैं हम लोग, जर्नल एंट्री, मैंने शॉर्ट में JE लिख दिया। जर्नल एंट्री में चेक करने का कोई फ्रेश इश्यू में प्रीमियम आया नहीं, सो 100 करोड़ प्लस निल प्लस जीरो विल बी 100। आई हैव टू पे 120 करोड़, अवेलेबल 100 करोड़ ही है स्टूडेंट्स। तो पहले चलो 100 तो है, तो वी स्टार्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जो बैलेंस शीट का हमको एक्सट्रैक्ट दिया है, छोटी सी बैलेंस शीट है, फुल फ्लेज बैलेंस शीट नहीं है। 100 करोड़, मैं 100 ही लिख सकता हूँ, आई कांट रिकॉर्ड 120 बिकॉज अवेलेबल उसमें 100 है। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस खत्म हो गया, तो विच अदर रिजर्व, जनरल रिजर्व है ना स्टूडेंट्स, तो बेटर यूटिलाइज जनरल रिजर्व नाउ फॉर द सिंपल रीजन, जनरल रिजर्व में खूब बैलेंस है स्टूडेंट्स, 270 करोड़ दिया है देखो, और उसमें से आपने इक्वेशन में कितना यूटिलाइज किया, जस्ट 60 करोड़ किया अभी तक यूटिलाइज आपने, तो अभी भी काफ़ी सारा बैलेंस है, तो बाकी 20 करोड़ जनरल रिजर्व से ले लेंगे, टू प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट 120 करोड़। ओके, सो दिस वॉज फॉर प्रीमियम ऑन बाय बैक। फिर उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, अमाउंट पेएबल, अमाउंट पेएबल का जनरल एंट्री क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी, देन प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। स्टूडेंट्स इक्वेशन देखने का, कहाँ कहाँ से अमाउंट्स आएंगे, सो विल गो टू द इक्वेशन, इक्वेशन यहाँ पे था, इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी 60 करोड़, ये था ना 60 करोड़, वहाँ से आएगा स्टूडेंट्स ये इक्वेशन। सो इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी 60, प्रीमियम ऑन बाय बैक फ्रॉम द प्रीवियस एंट्री ले लो 120, सो इक्विटी शेयर होल्डर्स इज 180, दैट वॉज अवर मैक्सिमम पॉसिबल बाय बैक, 180 था ना, सो 180 करोड़ हो गया। ओके, सो दिस वॉज फॉर अमाउंट पेएबल। नेक्स्ट कम्स अमाउंट पेड, सिंपल सा एंट्री है, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये 180 प्रीवियस एंट्री से हमको कॉपी कर लेना है, दिस 180 करोड़ भी कॉपी। फाइनली ट्रांसफर टू CRR स्टूडेंट्स, ट्रांसफर टू CRR है, ये स्टूडेंट्स, उसके लिए अगेन हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, इक्वेशन। सो इक्वेशन में यर वी हैड यूटिलाइज जनरल रिजर्व, है ना, जनरल रिजर्व यूज़ किया है ना हम लोग ने, तो ये जनरल रिजर्व कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, CRR में ट्रांसफर हो जाएगा। सो यर आई एम रिकॉर्डिंग स्टूडेंट दैट एंट्री, लास्ट एंट्री है, तो इसी पेज पे मैं एडजस्ट कर देता हूँ, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, दिस इज द इश्यू, चलो कोई बात नहीं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल
रिडम्पशन रिजर्व कितना? 60 करोड़। हमने इक्वेशन में फ्री रिजर्व्स में 60 करोड़ लिखा था। ओके, सो दिस वाज द लास्ट एंट्री। तो एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स, एक्सपोर्ट स्टैट्यूट एक्सपोर्ट रिजर्व दिया ना ब्रैकेट में, देव सेड स्टैट्यूटरी रिजर्व इट इज नॉन फ्री। और मार्केट प्राइस पहले 25, बट इन ऑर्डर टू इंड्यूस द शेयर होल्डर कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या डिसाइड किया, हम लोग उनको पैसा बढ़ा के देंगे 25 + 20%। ओके, सो ये तो सिंपल था एकदम। अभी स्टूडेंट सेकेंड पार्ट पढ़ो क्वेश्चन, दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट, एडवाइज द कंपनी। सो वो एडवाइज मतलब वो कैलकुलेशन करना था, वी डिड दैट एंड दे आस्क्ड जनरल एंट्री इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड में क्या लिखा, इफ बोरोड फंड्स, ऊपर वो एक्सट्रैक्ट है ना बैलेंस शीट का लोन फंड्स, डेप्थ की बात कर रहा है। इफ बोरोड फंड्स वर 1200 लाख्स एंड 1500 लाख्स रेस्पेक्टिवली, वुड योर आंसर चेंज? क्या पूछ रहा है वो, अगर आपका बोरोड फंड्स, ऊपर स्टूडेंट्स वो रुपीज इन करोड़ लिखा ना, इसको लैक्स बोल दिया, तो कुछ टाइपिंग है गड़बड़ हो गई होगी मुझसे स्टूडेंट, नो नीड टू वरी। चलो ठीक है, उसको रुपीज इन करोड़ ही लेते हैं। इफ बोरोड फंड्स वर 1200 करोड़ एंड 1500 करोड़, ओके, रेस्पेक्टिवली, वुड योर आंसर चेंज? इफ बोरोड फंड्स डेप्थ वर 1200 करोड़ एंड 1500 करोड़ रेस्पेक्टिवली, वुड योर आंसर चेंज? दिस इज द सेकेंड पार्ट स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स सॉल्यूशन का, ठीक है। सो ना अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, पहला कैलकुलेशन हमने किया था स्टूडेंट, देखो सोर्स, लोन फंड्स चेंज करने से, बोरोड फंड चेंज करने से सोर्स को कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, बिकॉज यहाँ पे लोन फंड्स, बोरोड फंड्स, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन लिखा ही नहीं जाता सोर्स में। सेम वे इफ वी चेंज द लोन फंड्स, डज इट अफेक्ट द सेकेंड पॉइंट कि ओन फंड्स इफेक्ट होता था 25% ऑफ ओन फंड्स? नो, यहाँ पे तो इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स होता है सिर्फ एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑब्वियसली, बट लोन फंड्स तो नहीं होता। Does it affect our third point number 3? Yes, students. तो हमारा loan funds change होने की वजह से ना first two answers तो change नहीं होगा students. Point number 1, this source आपका point number 1, sorry, and point number 2 is not affected. हाँ, point number 3 आपका third calculation affect होगा because वहाँ पे depth का नाम आता है students. So depth change होगा तो आपका third answer change होगा. तो one thing is definite. आंसर नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट टू रिमेन सेम, तो उसको उसको तो हम टच भी नहीं करेंगे, विल कीप इट सेम। हाँ, ये आंसर चेंज होगा तो विल फाइंड व्हाट इज द आंसर फॉर पॉइंट नंबर थ्री, मतलब वन एंड टू का आंसर सेम है पक्का स्टूडेंट्स, ठीक है। सेम वे स्टूडेंट्स, सेम वे स्टूडेंट्स, इसको भी देख लो, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अपॉन फेस वैल्यू, यहाँ पे कोई लोन फंड्स का नाम है क्या? बोरोड फंड्स का नहीं। सेम वे देन वी राइट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स इनटू ऑफर प्राइस, तो स्टूडेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स इनटू ऑफर प्राइस, यहाँ भी कोई बोरोड फंड्स का नाम नहीं है, दैट मीन्स पॉइंट नंबर 4 का भी आंसर आपका सेम रहेगा। तो 1, 2 and 4 विल नॉट चेंज, ओनली वॉट विल बी अफेक्टेड स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ दैट पार्ट, इफ बोरोड फंड्स वर 1200 करोड़ और 1500 करोड़, बिकॉज ऑफ दैट रीजन योर पॉइंट नंबर 3 विल बी अफेक्टेड। वो किसको अफेक्ट करेगा? सिर्फ आपके कैलकुलेशन नंबर 3 को करेगा। तो 1, 2 and 4 इज सेम, ये तो पक्का हो गया स्टूडेंट्स, सो वी वोंट वेस्ट टाइम एंड अगेन कैलकुलेट दोज आंसर्स, सिर्फ पॉइंट नंबर 3 पे डिसाइड करेंगे और देख लेंगे विच अगेन लीस्ट ऑफ द अबाव 4 विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल बाय बैक। ओके, सो ये उन्होंने पूछा है स्टूडेंट्स, तो कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, सो वी आर हियर नाउ, तो स्टूडेंट्स सी, ये सेकेंड पार्ट है, पॉइंट नंबर 1 क्या होता है, सोर्स, आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम, वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, उसी को कॉपी कर लेते हैं। सिर्फ कितना कॉपी कितना था वो, सॉरी स्टूडेंट दिस वॉज नॉट द शीट, आई एम सॉरी, फोर ट्वेंटी, 180, ये कॉपी कर लेते हैं, 1 और 2 का आंसर, सो दिस इज 420, आउटर कॉलम में सब 420 रुपीज इन करोज है, एंड पॉइंट नंबर 2 स्टूडेंट्स व्हाट वी राइट, 25% ऑफ ओन फंड्स, इट वाज 180 इन करोज, हाँ ऑब्वियसली, हाँ पॉइंट नंबर 3 अभी हमारा इफेक्ट होता है तो सर कैलकुलेशन करेंगे, हाउ व्हाट वी राइट, मिनिमम ओन फंड्स, ओके, मिनिमम ओन फंड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, डेप्थ सॉरी अपॉन 2, अभी कितना कर दिया डेप्थ, वो बोल रहा है 1200 करोड़, सो 1200 अपॉन 2 करेंगे तो आंसर विल बी 600 करोड़, ठीक है स्टूडेंट्स। देन व्हाट वी डू स्टूडेंट्स, ओन फंड्स लेस मिनिमम ओन फंड्स,
मिनिमम ओन फंड्स अभी हमने फाइंड किया, ये 600 आया, 600, ओके। ओन फंड स्टूडेंट्स अगेन वो कैलकुलेट करके रखा है, वो चेंज नहीं होने वाला है, वो तो हमारा सेम रहेगा। देखो ओन फंड्स हियर इट वॉज 720 करोड़ हमने ऑलरेडी करके रखा है, वो तो 720 तो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। आप अपनी नोटबुक भी रेफर कर सकते हैं इफ यू हैव कॉपीड द सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स ओन फंड्स विल रिमेन सेम, तो 720 माइनस 600, सो आउटर कॉलम नाउ थर्ड आंसर चेंज हो गया, इट बिकम्स 120 करोड़। स्टूडेंट्स फोर्थ आंसर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, इट डजंट चेंजेस, वो कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, देन दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स वी मल्टीप्लाइड विद ऑफर प्राइस एंड वी गॉट 225 करोड़, है ना। तो अली थर्ड आंसर चेंज हुआ, बेस ऑन दिस अगेन डिसाइड कि आपका बाय बैक क्या होगा, सॉरी लीस्ट ऑफ 124 विल बी मैक्सिमम पॉसिबल बाय बैक। सो स्टूडेंट्स 420, 180, 120, 25, सो सी अभी 120 है, सो दैट इज रुपीज 120 करोड़, ये आपका मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम है। फिर हम उसके बाद क्या लिखते हैं, एक्चुअल बाय बैक इज इक्वल टू लीस्ट ऑफ 124, अभी हमने फाइंड किया 120 अपॉन व्हाट इज द ऑफर प्राइस 30, वो तो चेंज नहीं करने बोला है, खाली लोन फंड्स का अमाउंट चेंज हुआ है स्टूडेंट्स, ओके। सो 120 करोड़ है स्टूडेंट्स, सो ठीक है 120 करोड़ डिवाइड बाय 30, इफ यू डू दैट विल गेट 4, 4 का मतलब 4 करोड़ है स्टूडेंट्स, वो तो 4 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स होगा, 4 करोड़ इक्विटी शेयर्स, दीज मैनी शेयर्स कंपनी विल बाय बैक। एक्चुअली मैक्सिमम आंसर वही है स्टूडेंट्स, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था 7.5 करोड़, वो चेंज नहीं होगा स्टूडेंट्स, ओके। पॉइंट नंबर 4 में हमने कैलकुलेट करके रखा है, दैट इज मैक्सिमम, वो लिमिट है, बट एक्चुअली आप कितना कर सकते हैं, ओनली 4 करोड़। तो देखो लोन फंड चेंज होने की वजह से आपका आंसर चेंज हो गया, बट दे हैव नॉट आस्क एंट्रीज, सेकेंड पॉइंट में खाली पूछा है कि आपको बताना है कि बोरोड फंड चेंजेस वुड योर आंसर चेंज, ऑब्वियसली आपका आंसर चेंज हो गया, अभी 4 करोड़ शेयर्स हो गया। सेम विद स्टूडेंट्स, सेम पॉइंट नंबर 2, इफ बोरोड फंड वर 1500 करोड़, अगर अब 1500 करोड़ हो गया तो क्या आंसर आपका चेंज होगा। अगेन स्टूडेंट देखो पॉइंट नंबर 1 सेम रहेगा, 2 सेम रहेगा, थर्ड हमको फाइंड करना पड़ेगा और फोर्थ भी सेम रहेगा। तो स्टूडेंट्स अभी वापस से उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, ओके। देन वी राइट सोर्स, वो तो चेंज नहीं होने वाला है, सोर्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा, इट इज 420 करोड़। देन नेक्स्ट क्या था, 25% ऑफ मिनिमम ओन फंड्स, वो भी हमने कैलकुलेट करके रखा है 180 करोड़। नेक्स्ट क्या था स्टूडेंट्स, हाँ वो अभी चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, सो आई स्टार्ट विथ, सॉरी इट इज़ नॉट 25% ऑफ मिनिमम ओन फंड, 25% ऑफ ओन फंड्स, मैंने गलती से मिनिमम ओन फंड्स लिख दिया, 25% ऑफ ओन फंड। नाउ पॉइंट नंबर 3, वी स्टार्ट विथ मिनिमम ओन फंड्स, कैसे फाइंड करते हैं मिनिमम ओन फंड्स, डेप्थ डिवाइड बाई 2, 1500 अपॉन 2, सो 1500 करोड़ है, सो दिस विल बी 750 करोड़। देन वी राइट ओन फंड्स लेस मिनिमम ओन फंड्स, ओन फंड्स कितना है स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था स्टूडेंट्स, देखो 720 था, अगर आपको याद हो तो ठीक, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, विल चेक इट हियर स्टूडेंट्स, ओन फंड्स कहाँ गया, सॉरी स्टूडेंट्स मैं गलत शीट पे आ गया, आई एम रियली सॉरी, सी ओन फंड्स वॉज 720 करोड़ है ना, पहले से हमने फाइंड किया, वो तो चेंज नहीं होगा स्टूडेंट्स, ओके। तो 720 करोड़ ही लिखा है मैंने वहाँ पे स्टूडेंट्स, 720 करोड़ माइनस मिनिमम ओन फंड्स कितना है 750, स्टूडेंट्स आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव 30 ना, आउटर कॉलम में ये नेगेटिव 30 होगा, ओके। एंड फाइनली वो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स इनटू ऑफर प्राइस, वो तो चेंज नहीं होने वाला है, वो 225 करोड़ रहेगा। सो कैन द कंपनी नाउ स्टूडेंट्स व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल बाय बैक, लीस्ट ऑफ द अबाउ 4, अब लीस्ट ऑफ द अबाउ 4 बोलोगे तो नेगेटिव होता है ना, सो दैट मीन्स स्टूडेंट्स कंपनी बाय बैक नहीं कर सकती, इट इज़ नॉट अलाउड,
दैट इज अ सिंपल मीनिंग. क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स ये कंडीशंस कंपनीज एक्ट में लिखा है कि इतना मतलब आफ्टर बाय बैक ना देर मस्ट बी सम अमाउंट लेफ्ट, यहाँ पे कुछ अमाउंट होना चाहिए विच इज पॉजिटिव. जैसे प्रीवियस टू केसेस में हमने देखा स्टूडेंट्स, ठीक है, प्रीवियस टू केसेस में देखा यह पॉजिटिव में होना चाहिए. अब ये नेगेटिव हो गया ना स्टूडेंट, दैट मीन्स आफ्टर बाय बैक क्या होने वाला है स्टूडेंट्स. ये डेप्थ अपॉन टू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, के दे रिक्वायर अ डेप्थ इक्विटी रेशियो ऑफ 2:1. 2:1 का रेशियो होना चाहिए. डेप्थ इक्विटी रेशियो मतलब आपकी बैलेंस शीट में आपके जो फाइनेंस हैं जहाँ से भी पैसा आया है डेप्थ के रूट से, ओके, फ्रॉम लोन इट शुड बी 2 एंड फ्रॉम इक्विटी इट शुड बी 1. मतलब 3 रुपीज अगर आपके पास बैलेंस शीट में आपका फाइनेंस है, कैपिटल है, इतना पैसा है आपके पास, सो आउट ऑफ दैट 3 रुपीज 2 रुपीज फ्रॉम शुड बी फ्रॉम डेप्थ फ्रॉम लोन एंड 1 रुपीज शुड बी फ्रॉम इक्विटी, दैट इज डेप्थ इक्विटी. आपने मैनेजमेंट अकाउंट्स में सीखा भी होगा स्टूडेंट्स. सो मिनिमम उतना चाहिए 2:1 आपको रेशियो, दैट इज स्पेसिफाइड इन कंपनीज एक्ट, बट ये तो आपको नेगेटिव आ रहा है, सो दैट मीन्स स्टूडेंट्स बाय बैक इज नॉट पॉसिबल. सो अगर आपका लोन फंड्स 1500 करोड़ हो जाता है, so we'll write buyback is not possible. और उन्होंने एंट्री पूछा नहीं है और एंट्री पास भी नहीं कर सकते हैं जब buyback is not possible. I guess on me? So this was the question students. तो first part उन्होंने पूछा था calculate the number of shares and pass entries with that. Second part में उन्होंने क्या कहा है कि loan funds खाली change किया. So loan funds से क्या होता है students? First answer, second answer is not affected. Even fourth is not affected. पॉइंट नंबर 3, क्योंकि वहाँ पे लोन फंड्स आता है, डेप्ट आता है, वो इफेक्ट हुआ तो हमने उसमें चेंजेस करके रिकॉर्ड किया. सो यहाँ पे बाय बैक इज़ नॉट पॉसिबल. क्यों? सिंपल रीज़न, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है स्टूडेंट्स में, ठीक है.